हाँ तो ये फील आना चाहिए बेटा कि हम कस्टम एक्ट में आ गए इंडिया सी देख रहे हैं आपको ठीक है तो चलो अब मैं ये डाउट्स वगैरह पे कोई ध्यान नहीं दूंगा जब मैं स्पेशल टाइम दूंगा तभी आपने देखना है अब हमें कंटिन्यूस जो है ओके यहाँ फोकस करना है हमारे कस्टम्स एक्ट डिस्कशन पे आर यू रेडी चलिए ओके स्टार्ट करते हैं तो बेटा कस्टम्स एक्ट नाइनटीन ये हमारा पहला एक्ट हम डिस्कशन में ले रहे हैं जनरली कस्टम्स एक्ट 1962 जो है ये अप्लाई होता है इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स पे फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी यानी अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो या आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कस्टम्स ड्यूटी कैसे देना है उसके बाद में उससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और कौन से प्रोसीजर पे कौन से डॉक्यूमेंटेशन करना है ये पूरा कस्टम्स एक्ट 1962 में हमें पढ़ना है बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में कस्टम्स जहाँ तक हम सी सी एम और सी एस की बात करें तो कस्टम्स के प्रैक्टिस में इतने लोग इन्वॉल्व नहीं हैं प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे मोस्टली हमारा कंसर्न आता है जीएसटी से लेकिन हाँ कुछ सी या कुछ सी एम या सी कस्टम्स में अच्छा खासा प्रैक्टिस है स्पेशली इन मुंबई क्योंकि बाकी जो यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रोसीजर है वो कस्टम ब्रोकर या कस्टम हाउस एजेंट ही हैंडल कर लेते हैं तो इसलिए हमें ऑफिस में इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है दूसरा कस्टम्स एक्ट की टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी जो है आपके लिए बिल्कुल नहीं है लॉ बहुत इजी है मैं पूरा एनिमेशन में आपको समझाऊंगा और सिर्फ एनिमेशन हम नहीं लेंगे हम जो है बेटा यहां पे, बुक्स में हर वर्ड, हर के हर वर्ड को हम यहां एनालाइज करेंगे तोड़ देंगे फोड़ देंगे ठीक है तो एनिमेशन से आप कंसेप्ट समझोगे विजुअलाइज करोगे आपका कंसेप्ट दिमाग में बैठेगा और फिर लॉ को इंटरप्रिट कैसे किया जाता है वो भी आपको बताओगे तो कस्टम्स में यहां जहां तक देखा जाए तो हमारी मोस्टली प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए आपको जानकारी भी नहीं होती है और सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह कि टर्मिनोलॉजी इतनी नहीं होती है कि थोड़ा याद करने में मुश्किल जाता है पर डरना मत मैं हूं फ्रीक्वेंट रिवीजन हम इतनी फ्रीक्वेंट रिवीजन करेंगे कि आपकी टर्मिनोलॉजी यूज टू हो जाएगी यानी डे टू डे लाइफ में भी ओके आप वो टर्मिनोलॉजी यूज करने लगोगे तो यस मेरे पे पूरा ट्रस्ट करना हम वो लर्न लेंग कर लेंगे और मेरे साथ मैं डेली बेसिस पे जितना होमवर्क दू वो होमवर्क आपको फॉलो करना है आपको घर पे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए तो देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको मजा कैसे आता है सो दूसरी बात बेटा यहां पे चलो एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं आयुष का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा उसने लिखा है क्या बात है तो हम आयुष का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे ओके बात ऐसी है बेटा आ, ये हमारा इंडिया है ओके ये हमारा सी वाटर है और मैं सी में खड़ा हूं रहा हूं ना आपको मैं सी में खड़ा हूं ओके सी पे चल रहा हूं तो स्टार्ट करते हैं यहां पे समझ लो आयुष ने कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ ओके ये कंटेनर आए और कंटेनर आने के बाद वो कंटेनर जो है बेटा वो यहाँ पे कंटेनर अनलोड हुए सो आयुष के कंटेनर यहाँ अनलोड हो गए अब बात है कि आयुष के कंटेनर अनलोड होने के बाद यहां आगे क्या हुआ बड़ा मजेदार किस्सा है अब अगले दस मिनट जो है आपने मेरे साथ ये समझना कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है या जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाता है इन शॉर्ट कस्टम एक्ट या कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है ठीक है इंडिया में अज्यूम तो करो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या जा रहा है ओके okay, तो इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कस्टम ड्यूटी लगाता है ठीक है दूसरा यहां पे अब यह जो है बेटा गुड्स अनलोड हो गए अनलोड होने के बाद एक ऑफिसर आया इमेजिन करना आयुष इधर खड़ा है तो जब मैं इधर होगा तो आयुष समझना और जब मैं इधर हूं तो कस्टम ऑफिसर हूं तो ये ऑफिसर आयुष को कह रहा है मिस्टर आयुष आयुष ने कहा यस बोलिए आपको आ, आ, क्या चाहिए मेरे से तो ऑफिसर ने कहा मिस्टर आयुष आपने गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया है आयुष ने कहा हाँ मैंने इंडिया में इंपोर्ट किया है और क्या वो गुड्स इंडिया में लैंड हुआ है आपने फॉरेन कंट्री से लाया है तो आयुष ने कहा हां मैंने फॉरेन कंट्री से लाया है तो मिस्टर आयुष वो गुड्स पे आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी आप सॉरी कस्टम एक्ट नहीं है उसके वो गुड्स पे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपने बाहर से गुड्स लाया है तो गुड्स पे टैक्स देना पड़ेगा आयुष ने कहा टैक्स अब ध्यान से सुनना आयुष ने कहा टैक्स विच टैक्स यार अरे ये जो फॉरेन गुड्स है अब वो फॉरेन गुड्स इंडिया में बेचा जाएगा वो इंडिया के रिसोर्सेस यूज करेगा अगर वो इंडिया के रिसोर्सेस यूज करेगा तो उसने इंडियन गवर्नमेंट को कुछ देना चाहिए तो हम उसके ऊपर टैक्स मांग रहे हैं आयुष कह रहे आर यू आप कौन हो आप मेरे से टैक्स ले रहे हो आप हो कौन तो आईश, यहां पे ऑफिसर ने कहा भाई मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं और आप फॉरेन गुड्स इंडिया में आ रहे हैं मैं आपसे टैक्स लूंगा तो यहां आयुष ने कहा डू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मी आप मेरे से टैक्स कलेक्ट करने का पावर रखते हो भाई हम पब्लिक है कोई भी okay, यहाँ पे अलता भलता आ गया कोई भी आ गया और वो हमारे से टैक्स मांग रहा है आप हो गया ऑफिसर क्या आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि आप मेरे गुड्स पे टैक्स ले सकते हो ध्यान से सुनना मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तो यहां पे ऑफिसर ने कहा नो no, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो नहीं है हमने अज्यूम किया था क्या अज्यूम किया था कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है ध्यान से सुनना इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो टैक्स कलेक्ट करता है ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सो बेटा ध्यान से सुनो यहाँ ना हम ये इतने बेसिक से जाएंगे कि पहले अज्यूम करेंगे कि लॉ नहीं है फिर हम लॉ बना कैसे लॉ कहता क्या है कब टैक्स लगाता है स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आगे आगे देखो होता है क्या तो यहाँ पे तो जहां तक देखा जाए तो

हाँ आप सर्वेंट हो सर्वेंट जैसे रहो तो ऑफिसर ने कहा अरे बट आयुष ने कहा नो बट शट ओनली कट टू कट गेट आउट फ्रॉम तो ऑफिसर ने कहा बट क्यों आप टैक्स क्यों नहीं देंगे तो आयुष ने कहा अगर आपके पास जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी नहीं है मेरे से टैक्स कलेक्ट करने की हम पब्लिक है पब्लिक और कोई भी पब्लिक से अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथॉरिटी होना जरूरी है तो यहां, पे, यहां ने कहा नहीं मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी नहीं है तो आयुष ने कहा अब बेटा ऑफिसर जो है उसको दिन रात नींद नहीं आ रही है ओके okay, ना चैन न रैन उसकी बहुत इंसल्ट किया आयुष ने ओके okay, आयुष ने बहुत इंसल्ट की और उसको कोई अब वो दिन रात वही सोच रहे है ना उसको नींद आ रही है और उसको अब बदला लेना है आयुष से उसने तो कसम की खाली कसम की कसम कसम से आयुष को नहीं छोडूंगा दिल से तो उसने तो बेटा कसम ली कि मैं आयुष को तो छोड़ूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए अब यहां पे करे क्या उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लेनी है सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर लेगे वेट वेट मजा आएगा और ऐसे पूरा एनिमेशन में हमारा कस्टम चलेगा ठीक है तो दोस्तों अब उसको कस्टम की पावर लेनी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो मैं आपका ध्यान चाहूंगा वॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन वॉट यू नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन मैं अब पॉज लेने वाला हूं एक मिनट का मैं आपके आंसर की राह देख रहा हूं आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या जानते हो स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ भी बेटा आप यहां पे अपना कमेंट ऐड करो बी एक्टिव डोंट बी डंप एक्टिव चाहिए मुझे मजा आएगा आपको इनडायरेक्ट एक्सेस में यस कमान सचिन ने कहा अपेक्स लॉ है आयुष ने कहा सारे एक्ट का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है चलो आयुष तो कुछ बोला उसके बाद में कमल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फादर ऑफ ऑल लॉज़ बस दो तीन लोग चलो बोलो बोलो यहां पे इट्स अ मदर ऑफ लॉ अब ये आप फादर और मदर में नहीं पढ़ने का ओके okay, फादर एक मदर ऑफ ऑल लॉज इट्स ओके उसके बाद में आर्टिकल 265 सिक्सटी फाइव यस आई एम कमिंग टू दैट आर्टिकल क्योंकि कोई भी टैक्स लॉ अगर आपको पढ़ाना है तो आर्टिकल 265 की जानकारी होना जरूरी है आपने इंटर लेवल पे या कोई अदर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं ना अपुन का अलग स्टाइल है और अपन अपुन के स्टाइल से जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे आ, अरे मनीष यू आर लुकिंग कुल वगैरह ये कमेंट्स बाद में तो चला आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ ओके okay, ये सुप्रीम लॉ है करेक्ट इट्स अ फादर ऑफ ऑल लॉ यानी जितने भी लॉज बनते हैं उसका सोर्स उसकी ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में होना जरूरी है एक वर्ड यूज करता है कि ऑल लॉज इमेनेट्स मतलब उसके सोर्स जो है वो ऑल लॉज इमेनेट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स अ सुप्रीम लॉ जब तक कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर नहीं देता है कोई भी लॉ बनाने की तब तक इंडिया में पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इंडिया में लॉ नहीं बना सकते तो भाई हाँ, आज हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं कौन सा लॉ पढ़ने जा रहे हैं कस्टम्स एक्ट आई रिपीट हम ये लॉ पढ़ने जा रहे हैं और वह कस्टम्स एक्ट 1962 तो कस्टम्स एक्ट 1962 अगर हमें पढ़ना है तो यह सिचुएशन में इसका सोर्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढना बहुत जरूरी है तो आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता क्या है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां देखिए तो हम कस्टम्स लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पढ़ते और बाकी तो ठीक है इट्स प्रोवाइड्स राइट्स ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया ये सब ठीक है लेकिन जहाँ तक मैं कमर्शियल लॉ और टैक्स लॉ की बात करूँ तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके okay, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टैक्स लॉज के बारे में कहता क्या है ओके okay, इसकी रिलेटेड जानना बहुत जरूरी है और आज हमारा बेसिक लेक्चर है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें मैं सब बातें आपको बताऊँगा सो so, चलो दोस्तों यहाँ आ जाते हैं पे आर्टिकल 265 आर्टिकल 265 कहता क्या है अगर आर्टिकल 265 हम देखें तो आर्टिकल 265 दिख रहा है आपको बेटा क्लियरली चलो मैं यहां आ जाता हूं तो यहां है क्या कहता है आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर दिटी ऑफ लॉ ओके okay, मतलब क्या मतलब बहुत सीधा सीधा है आर्टिकल 265 कहता है इंडिया में कोई भी अथॉरिटी टैक्स लेवी भी नहीं कर सकती या कलेक्ट नहीं कर सकती जब तक लॉ से उसे अथॉरिटी ना मिले यानी इंडिया में कोई भी लॉ जो है ओके okay, नहीं बना सकता टैक्स रिलेटेड कलेक्ट नहीं कर सकता जब तक सॉरी 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 मेरे वर्ड थोड़ा चेंज थो। कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता या लिवी नहीं कर सकता जब तक उसको कि बाय लॉ अथॉरिटी ना मिले मतलब पहले लॉ बनाना पड़ेगा और उसके बाद में लेवी और कलेक्शन होगा कलेक्शन होगा तो यहां पे वो जो ऑफिसर जिसकी इंसल्ट हुई और उसने कहा कसम की कसम कसम से मैं टैक्स लूंगा मिस्टर आयुष से तो जिसकी इंसल्ट हुई बेटा ओके वो अब उसने तो ठान ली कि मैं तो लॉ बना के रहूंगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास गया वो आर्टिकल टू के पास गया और उसने आर्टिकल टू को कहा कि मुझे यहां पे टैक्स कलेक्ट करना है आयुष से उसने मेरी इंसल्ट की है मुझे लॉ बनाना है आप बताइए कि लॉ कैसे

क्या कोई भी लॉ बना सकता है ओके okay. क्या कोई भी लॉ बना सकता है हाँ एक बात करूं कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें ये नोट करना है क्या लिखना है क्या नहीं नहीं मैंने नोट्स में दिया है हाँ Uh, और नीचे अब डिस्क्रिप्शन कॉलम में नोट्स की पीडीएफ कॉपी दी है पहले एक दो चैप्टर की जिसका मैं लाइव स्ट्रीमिंग लूंगा अगर नहीं होगी तो जब हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा तो बाद में मैं ऐड कर दूंगा ठीक है डोंट वरी फॉर दैट प्रॉबेबली दी ही होगी नहीं होगी तो मैं ऐड कर दूंगा और आपके नोट्स में दिया हुआ है और कहाँ आपको नोट करना है तो नोटबुक साथ में लो मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए तो ये आपके नोट्स में दिया है अभी पूरा ना ध्यान दो पूरा आपका हंड्रेड फोकस मेरे तरफ दो ओके और देखो क्या होता है रंग दे मुझे गेर हुआ ठीक है तो यहां पे नो टैक्स शैल बी और कलेक्टेड एज पर आर्टिकल टू सिक्सटी फाइव जब तक लॉ नहीं बनाते हो दूसरा मेरा एक सवाल आपसे और सवाल यह है कि क्या इंडिया में लॉ कोई भी बना सकता है क्या पिंटू चिंटू किंटू ये तीनों क्या कोई भी लॉ बना सकता है कि कोई स्पेसिफिक ऑथोरिटी होगी बताओ करेक्ट निशा कौशिक सही आंसर दिया आपने थोड़ा मैं आगे जाता हूं यहां पे इंडिया में जो लॉ बनाने का पावर है आर्टिकल 245 क्या कहता है देखिए आर्टिकल 245 कहता है फोर्टी इट कहता द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ ये पार्लियामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक द लॉ फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट अब इस आर्टिकल को अगर हम ध्यान से पढ़े तो यह आर्टिकल क्या कहता है यह आर्टिकल एम्पावर करता है बेटा जस्ट मिनिट हाँ ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक द लॉ फॉर स्टेट ठीक है इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है अब यह फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा गवर्न बाई टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट और वो उसमें डिवाइडेड फिर लोकल ऑथोरिटी वगैरह लेकिन मेनली सेंट्रल एंड स्टेट और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर है यानी कोई भी पावर एक गवर्नमेंट के पास नहीं है क्योंकि जब कोई भी पावर एक गवर्नमेंट के पास आ जाती है तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है और यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छे से बनाया गया है तो इंडिया में बेटा फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट तो सेंट्रल लेवल पे जितने भी लॉ बनाना है उसकी पावर पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेवल पे जितने लॉ बनाना है उसकी पावर यहां पे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी विधानसभा के पास है सिंपल वे में कहूं तो लोकसभा एंड विधानसभा ये हमारा लॉ बना सकते हैं अब यहां पे आयुष का क्या क्वेश्चन है आयुष का ये क्वेश्चन है बेटा वो आर्टिकल 265 के पास गया 265 कहता है कि भाई लॉ बना फिर लॉ कौन बनाएगा तो आर्टिकल 245 कहता है कि चलो कोई बात नहीं है यहां पे जो है लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर स्टेट के पास है तो आज का हमारा मैटर है कस्टम्स आई रिपीट आज का हमारा मैटर है कस्टम्स कस्टम्स पे लॉ कौन बनाएगा क्या सेंट्रल बनाएगा या स्टेट बनाएगा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट तो ये जानने के लिए एक आर्टिकल और दिया है आर्टिकल 246, आई रिपीट आर्टिकल 246, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और पर्टिकुलरली फाइनल लेवल पे तो नहीं पूछा जाएगा क्या है आज का हमारा पहला लेक्चर है लॉ को स्टार्ट करना है इसलिए हम बेसिक से जा रहे हैं और ये नोट्स में दिया है डोंट वरी फॉर दैट ओके कहा से इंपॉर्टेंट है कहां से लिखना है बताऊंगा तो नेक्स्ट आर्टिकल 246 आर्टिकल 246 अगर आप देखोगे शेड्यूल सेवन इसमें टोटल थ्री लिस्ट दी है पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट सेकंड स्टेट लिस्ट और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी टोटल थ्री लिस्ट दी है क्या पता है आपको ये तीनों लिस्ट के बारे में यस यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तीनों लिस्ट के बारे में आपको पता है दोस्तों यस yes. कमल क्या तो यहां लिस्ट वन यूनियन लिस्ट लिस्ट टू कॉल है तो ये तीन लिस्ट यहां पे दिया हुआ बेटा यूनियन लिस्ट मतलब लिस्ट वन में आ, मैंने सभी एंट्रीज नहीं ली पर टोटल 97 सेवन एंट्रीज है लिस्ट वन में वो 97 सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल के पास पावर है लॉ बनाने का लिस्ट टू में यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट्स दिए उसके ऊपर स्टेट के पास पावर है और तीसरी लिस्ट है बेटा हमारी कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट पे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है फॉर एग्जाम्पल कॉन्करेंट लिस्ट में फॉरेस्ट

ये और वो स्पेशली कस्टम ड्यूटी तो कस्टम ड्यूटी ये सब्जेक्ट किस में कवर किया है अगर ये सब्जेक्ट लिस्ट वन में कवर किया होगा तो यहां पे सेंट्रल इस लॉ बनाएगा और जो भी रेवेन्यू कस्टम्स का आएगा वो सेंट्रल का होगा अगर लिस्ट टू में दिया होगा तो स्टेट लॉ बनाएगा और जो भी रेवेन्यू आएगा वो स्टेट का होगा तो यहां मैं आपके जानकारी के लिए कह दू कि यस yes, यहां बेटा आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स शेड्यूल सेवन लिस्ट वन में कुछ यहां पे टैक्स रिलेटेड एंट्रीज में रेफरेंस के लिए ले रहा हूं टैक्स रिलेटेड एंट्रीज जो है एंट्री नंबर 82, 83, 84 एंड एंट्री नंबर 97 82 टैक्स ऑन इनकम हाँ ये सोर्स एंट्री है इनकम टैक्स की यहां से सोर्स मिलता है कि आप इनकम टैक्स लगा सकते हो इसलिए तो इनकम टैक्स सेंट्रल टैक्स है आपको पता है बोलो नालायक लायक हो यस यस बोलो और ये यस बोलने की आदत लगा देना मेरे साथ क्यों क्योंकि क्या होता है कि अगर नहीं भी समझा पर आप यस कह रहे हो ये हाँ, 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 तो क्या होता है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि ना समझाओ अभी समझ में आ जाता है ठीक है और वैसे मैं कहूं क्या शादी के बाद तो मुझे ये आदत लगी गई ओके मैं यहां पे वाइफ के साथ अननेसेसरी झंझट करता ही नहीं हूं ओके कुछ भी बोलो यस और आपको भी शादी के बाद आई आदत हो जाएगी तो ठीक है वॉट एर इट मे भी चलो और मैं एक बात कह दू क्लास में मैं कितने बार ओके okay बोलता हूं बिल्कुल नहीं गिनना ओके okay, मेरा फेवरेट वर्ड है मैं यहां दस हजार बार बोलू पर मैं बोलूंगा ओके okay? ठीक <laughs> है तो एंट्री नंबर एटी टू टैक्स ऑन इनकम ये सोर्स एंट्री है फॉर इनकम टैक्स की उसके बाद में एंट्री नंबर एटी थ्री तो एंट्री नंबर एटी थ्री जो है ये है सोर्स एंट्री फॉर कस्टम्स ये एंट्री ऑथराइज करती है लिस्ट वन यानी यूनियन ये एंट्री ऑथराइज करती है कि आप कस्टम्स ड्यूटी लगा सकते हो इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट गुड्स पे तो अब और एंट्री नंबर 84 फोर एक्साइज अब एक्साइज तो अब रहा नहीं जीएसटी कुछ ही गुड्स के लिए रहा और सर्विस टैक्स भी अभी नहीं रहा तो बाकी एंट्री से हमारा कंसर्न नहीं सर जी की एंट्री क्या है रुक जाओ जीएसटी के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे जीएसटी का जब मॉडल स्टार्ट होगा तो मजा आएगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है जीएसटी बाद में, अभी पूरा टी फुक, पूरा फोकस आपका किस पे होना चाहिए कस्टम पे तो मैं थोड़ा एंट्री नंबर 82 पे आता हूं तो ये एंट्री नंबर 82 सॉरी एंट्री नंबर 83 क्या कहता है कस्टम पे तो एंट्री नंबर एटी ये रही आपके सामने ठीक है तो एंट्री नंबर एटी लिखना नहीं है मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको लिखना है एंट्री नंबर एटी थ्री कहता है ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स आई रिपीट ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि लिस्ट वन की हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी लगा सकती है और कस्टम ड्यूटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और पूरा लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी यहाँ है ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी ओके इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा ड्यूटीज मतलब कोई एक ड्यूटी नहीं हो सकता है नंबर ऑफ ड्यूटीज लगाने का पावर यहाँ मिल रहा है हो सकता है क्या मिल ही रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नंबर ऑफ ड्यूटीज़ लग सकती है आपके नॉलेज में बता दो जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी सेफ ड्यूटी स्पेसिफिक सेफ ड्यूटी प्रोटेक्टिव ड्यूटी ऐसे हम नंबर ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ पढ़ेंगे अंडर द कस्टम्स एक्ट एंड कस्टम्स टेरीफ एक्ट तो ये कस्टम्स एक्ट एज़ वेल एज़ कस्टम टेरीफ एक्ट में बहुत सारी ड्यूटीज़ लगाई गई है ऑन इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज़ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो ये सभी ड्यूटीज़ हम आगे पढ़ेंगे तो वो क्या कहते हैं ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी अब सर यहां पे स्पेशली क्यों कहा गया इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी क्योंकि जब वो बात यहां कस्टम्स ओके okay, जब वो यहां बात कस्टम्स की कर रहे हैं तो कस्टम जब भी वर्ड यूज होता है तो उसमें इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों भी इंक्लूड हो जाता है तो वो स्पेशली एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों यहाँ पे स्पेशली यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं वो इसलिए यूज कर रहा है बेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी क्योंकि जब भी बात कस्टम्स की आती है तो नॉर्मली आपके दिमाग में यह आता है कि चलो कस्टम यानी इंपोर्टेशन इंपोर्टेशन पे टैक्स आएगा पर ऐसा नहीं है बेटा ओके कस्टम्स इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों पे भी आता है लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी यहां इसलिए कहा कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए क्योंकि जब अगर सिर्फ इतना लिखते हैं ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स तो वो सिचुएशन में यहां पर ओके कहीं मिस इंटरप्रिट लॉ हो सकता था और वो ये कि सिर्फ इंपोर्ट पे ही आता है एक्सपोर्ट पे नहीं आता है इसलिए स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा कि कस्टम में हम एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कवर कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे भी टैक्स आएगा तो ये एंट्री नंबर 83 मेरे साथ लर्न करना हो सकता है एमसीू क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए तो एंट्री नंबर एटी आपको ये पावर देता है कि वो कस्टम ड्यूटी लगा सकता है ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी ठीक है हम लिखेंगे एंट्री डोंट वरी फॉर दैट तो यहाँ पे अब एक सवाल जो पूछा गया और मैं एक्सप्लेन करने वाला ही था और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं अगर वो सवाल आपके दिमाग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है सवाल ये कि सर कौशिक का एक सवाल है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड टैक्स ओके एंट्री नंबर 83 हमने देखी चलो अब ये सवाल मैं लेने वाला था देखो पीपीटी उसकी रेडी है पर अगर ये पूछ लिया आपने तो ये मैं ले लेता हूँ तो ड्यूटी और टैक्स में क्या डिफरेंस है तो मैं ले लेता हूँ ड्यूटी ये जो वर्ड है बेटा <coughs> बता दो कस्टम लॉ कैसे डेवलप हुआ अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी ठीक है बेटा क्या होता था <coughs> पहले कस्टम्स लॉ वेरी ओल्ड टैक्स बहुत पुराना टैक्स है पहले आपको पता होगा सिस्टम ऑफ मोनार की है अलग अलग राजाओं का अलग अलग अपना किंगडम था तो अपना अपना राज्य था और जब कोई एक किंगडम से दूसरे किंगडम में कोई मर्चेंट है बिजनेसमैन है और वो मर्चेंट एक किंगडम से दूसरे किंगडम में बिजनेस करने जाता था तो आ, जैसे ही वो अपने गुड्स लेके जाता था तो पहले वहां के राजा को जो है खुश करना पड़ता था तो ही वो उसको लाइसेंस देता था परमिशन देता था कि ठीक है तू मेरे टेरिटरी में आ रहा है मेरे टेरिटरी में तेरे गुड्स बेच रहा है तू कमा के जा रहा है तो पहले मेरा लाइसेंस ले मेरी परमिशन ले और तू बिजनेस कर तो बेटा क्या होता था कि ये जो लोग हैं राजा को खुश करने के लिए कुछ गुड्स देते थे कि चलो आ, भाई अपने राजा को खुश करना है तो हमें परमिशन देगा बिजनेस करने के लिए तो वो उनको क्या है गुट्स देते थे तो ये जो गुड देने की प्रैक्टिस बन गई ये उनकी ड्यूटी बन गई ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि चलो कुछ यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे गिफ्ट देते हैं एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड और वो गिफ्ट देने का प्रैक्टिस बन गया ड्यूटी और फ्यूचर में वो बन गया टैक्स कस्टम्स क्या है कस्टम्स का डिक्शनरी मीनिंग लो तो ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन बन गया कि भाई कोई दूसरे के टेरिटरी में जा रहा है तो वो एक ट्रेडिशन था कि वहां की जो गवर्निंग बॉडी है उसको कुछ दिया जाए और वो बन गया टैक्स तो ड्यूटी वर्ड वहां से आया ड्यूटी वर्ड जनरली जो है गुड्स पे यूज़ किया जाता था कमान गुड्स पे यूज़ किया जाता था एक था यहाँ पे कस्टम ड्यूटी और दूसरा था एक्साइज ड्यूटी अब एक्साइज ड्यूटी के बारे में आपने इंटर या आई लेवल पर पढ़ा होगा पर हमको उसका ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है अब तो हमें जीएसटी लॉ पढ़ना है तो ड्यूटी वर्ड जनरली गुड्स से रिलेटेड यूज किया जाता था ड्यूटी नथिंग बट टैक्स आई रिपीट ड्यूटी नथिंग बट टैक्स लेकिन गुड्स से रिलेटेड यूज किया जा रहा है और अदर देन गुड्स के लिए टैक्स यूज होता था जैसे इनकम टैक्स है उसके बाद में सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स था गुड्स पे पर उसका प्राइमरी इवेंट सेल था सेकेंडरी इवेंट गुड्स था लेकिन कस्टम्स अगर हम पढ़ेंगे तो कस्टम्स का प्राइमरी इवेंट गुड्स है सेकेंडरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो वाटर रेट में भी इसकी टेक्निकलिटी में आपको नहीं जाना है लेकिन हाँ ड्यूटी वर्ड जनरली कमोडिटी से रिलेटेड यूज़ किया जाता था और टैक्स अदर देन यहाँ पे कमोडिटी लेकिन जीएसटी आने के बाद ये डिफरेंस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा क्योंकि जीएसटी भी टैक्स गुड्स पे है गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स हो गया है तो अब ये डिफरेंस को इतना इंपॉर्टेंस मत देना कब ड्यूटी का कब टैक्स का पर इन जनरल सेंस कहीं डिफाइन नहीं हुआ है पर इन जनरल सेंस जब कोई टैक्स कमोडिटी पे लगाया गया पुराने टाइम पे तो वर्ड ड्यूटी यूज़ किया गया क्योंकि हमारे बहुत से वर्ड ब्रिटिश लॉ से आया है तो यहां पे इंग्लैंड के जो लॉ थे उसमें ड्यूटी वर्ड यूज किया जाता था और बाकी टैक्स चलो इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करता फटाफट आगे बढ़ते हैं ठीक लिस्ट टू आर्टिकल 246 ठीक है इसमें ऑथोरिटी मिल गई और क्या ऑथोरिटी मिल गई कस्टम्स एक्ट 1962 सिक्सटी यहां पर यह है सॉरी बेटा कस्टम्स एक्ट 1962 सिक्सटी टू ये लॉ बनाने की अथॉरिटी यहां पे मिल गई और एंट्री नंबर 83 के तहत हम ये एक्ट बना रहे हैं और वो एक्ट का नाम है कस्टम्स एक्ट 1962 सिक्सटी टू डन नो चलो अब इसमें बेटा आपको ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर हिस्ट्री आपका क्या ऑब्जेक्ट है क्या स्ट्रक्चर मतलब ये कस्टम एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है क्या स्ट्रक्चर है इसकी क्या हिस्ट्री है इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे अगर पहली बात हम देखें तो कस्टम एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है टू रेगुलेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर मतलब यहाँ पे हर गुड्स इंडिया में कैसे इंपोर्ट होगा कैसे एक्सपोर्ट होगा उसकी कंप्लीट प्रोसीजर कैसी होगी वो पूरा कंट्रोल करता है कस्टम्स एक्ट इसमें मैं आपको हर एक बात बताऊंगा कि इंपोर्टेशन करते वक्त क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फ, फाइल करना है अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कस्टम्स एक्ट टू रेगुलेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर

तो ऐसे सिचुएशन में और कोविड में आपने देखा कि चाइना ने अपने आप को रिकवर कर लिया ओके okay, और वो यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी पे कंट्रोल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट जो है डम कर रहे हैं मास्क डम कर रहे हैं सैनिटाइजर डम कर रहे हैं हो सकता है आगे वैक्सीन डम कर रहे तो वो इतने लो प्राइस में इतने कम प्राइस में इंडिया में डम कर देते हैं कि इंडियन मार्केट ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो हमारा इंडियन मार्केट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए तो उसको कंट्रोल करने का पूरा पावर कस्टम एक्ट को दिया है तो कस्टम एक्ट में इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है तो कस्टम एक्ट में इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी सेफ ड्यूटी स्पेसिफिक सेफ ड्यूटी ओके ऐसे अलग अलग टाइप की अलग अलग सिचुएशन में ड्यूटीज लगाई जाती है और इस तरह से ओके okay, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है तो ये जो है प्रिवेंट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम डंपिंग इसके बारे में डिफरेंट ड्यूटीज हम पढ़ेंगे और थर्ड है बेटा टू कलेक्ट रेवेन्यू मतलब ओके ड्यूटी कलेक्शन भी या गवर्नमेंट कहती है कि चलो भाई रेगुलेट करते करते और प्रिवेंट करते करते कोई पैसा मिल जाए तो पैसा किसको अच्छा नहीं मिल लगता है और ऐसा है गवर्नमेंट का है कि भाई तुम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो तुमको मिला तो हमको भी चाहिए ठीक है कि भाई तुम बिजनेस कर रहे हो तुमको पैसा मिला तो हमको भी चाहिए तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे टू कलेक्ट रेवेन्यू एक बात को ये मेन ऑब्जेक्ट है उनका रेवेन्यू बाकी तो ठीक है पर मैंने तीसरा लिखा क्योंकि देखो पैसा देखो स्टार्ट में नहीं लिखना आखिरी में लिखना तो वो पैसे वाला आज भी नहीं लगता है तो चलो जो जोवाटी रेट में भी टू कलेक्ट द रेवेन्यू तो ये था ऑब्जेक्ट टू रेगुलेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर टू प्रिवेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम डंपिंग एंड टू कलेक्ट रेवेन्यू नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ओके स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओके भाई कस्टम एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें एंट्री नंबर 83 तो एंट्री नंबर 83 थ्री ये ओके सोर्स एंट्री है ये एम्पावर करती है फॉर लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी फिर हम देखेंगे एक्ट रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर पर मैं मोस्टली कहूँ कि आपको हमें एक्ट ही डिटेल में देखना है रूल्स में सिर्फ वैल्यूएशन रूल्स बैगेज रूल और ड्यूटी ड्रॉबैक रूल ये जो मेजर रूल्स हमारे सिलेबस में रेगुलेशन और सर्कुलर बहुत कम है मतलब नए के बराबर है तो यहां पे, पर सर ये एक्ट क्या होता है रूल्स क्या होते हैं सर्कुलर क्या होते हैं तो इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर तो चलो दोस्तों थोड़ा ब्रेक चाहिए यस और नो ब्रेक चाहिए आपको बोलो फटाफट फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ सकते हैं कि सर क्या हमें ये लिखना जरूरी है ऑब्जेक्ट uh, क्या है स्ट्रक्चर क्या है तो मैं ये कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की सिर्फ समझ लो आगे स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है हमारे नोट्स में हम उसको डिस्कस भी करेंगे और उसके बाद में हिस्ट्री तो सम वॉट हिस्ट्री अबाउट कस्टम्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी टू सिक्सटी टू शॉर्ट में मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है चलिए देखते हैं यहाँ दोस्तों अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कस्टम एक्ट में 1962 के पहले तीन अलग अलग एक्ट थे जैसे आप देखते हो तो 1962 आपको याद दिख रहा है पर पहले तीन अलग अलग एक्ट थे और तीनों एक्ट को मर्ज करके बनाया गया कस्टम्स एक्ट 1962 फिर बात हम करेंगे ग्लोबल एंड पॉलिसीज़ और तीसरा थोड़ा स्मगलिंग हवाला माफिया कस्टम में पहले कैसा होता था और इसको किस तरह से रोका गया तो इसके बारे में भी हम यहां पे बात करेंगे ठीक है सो so दोस्तों देखो यहां पे अगर मैं डिस्कशन के लिए लू 1962 के पहले इंडिया में तीन एक्ट थे चलो फटाफट इधर देखो 1962 के पहले इंडिया में तीन एक्ट थे एक था इनलैंड बॉन्डेड वेयर हाउस एक्ट दूसरा सी कस्टम्स एक्ट और तीसरा लैंड कस्टम स्टेशन एक्ट अब मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ और मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि बताओ इंडिया में अगर गुड्स इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं फटाफट बताओ कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक बाय एयर जो आपको यहाँ दिख रहा है दूसरा बाय सी रूट जो आपको दिख रहा है और तीसरा मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं फटाफट और तीसरा बेटा के बाय लैंड रूट लैंड रूट में रेलवे या फिर के ट्रक वगैरह से इंडिया में इम्पोर्ट होगा तो ये तीन नॉर्मली मेजर रूट होते हैं जिससे इंडिया में इंपोर्ट होता है हाँ और आप पाइपलाइंस भी कह सकते हो जैसे पाइपलाइन ऑयल वगैरह इंपोर्ट किया जाता है तो पाइपलाइन वगैरह ये भी हो सकता है जो बाय सी रूट लाया जाता है तो मेजर तीन रूट होते हैं एयर वाटर एंड लैंड रूट ठीक है तो 1962 के पहले क्या था 1962 के पहले यहाँ पे जो गुड्स बाय एयर इंपोर्ट हो रहा था उसके लिए सेपरेट एक्ट इनलैंड लैंड बॉन्डेड वेयरहाउस लिखना नहीं है लिखना नहीं है सिर्फ जानकारी इनलैंड लैंड बॉन्डेड वेयरहाउस एक्ट जो गुड्स बाय सी रूट आ रहा है उसके लिए सी कस्टम स्टेशन एक्ट ओके और जो बाय आ रहा है तो लैंड कस्टम स्टेशन एक्ट यानी ऐसे तीन अलग अलग एक्ट थे तीन अलग अलग ऑफिस थे तीन अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन थे लेकिन 1962 में यह सोचा गया कि यार ऐसे तीन एक्ट रखने की क्या जरूरत है तीनों भी कस्टम्स को कंट्रोल करते हैं क्यों ना तीनों को मर्ज कर दिया जाए और तीनों को मर्ज करके एक ही लॉ बनाया जाए जिसका नाम होगा कस्टम एक्ट नाइनटीन तो नाइन में एक बहुत बड़ी स्टेप ली गई और सिक्सटी में यह स्टेप में तीनों एक्ट मर्ज कर दिए इसका मतलब 62 के पहले कस्टम ड्यूटी थी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था तब भी कस्टम ड्यूटी थी लेकिन यहाँ पे ओके okay, 62 में तीनों को मर्ज कर दिया दोस्तों और तीनों को मर्ज करके एक ही लॉ बनाया ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और वो है कस्टम एक्ट 1962 इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं कस्टम एक्ट 1962 में कोई भी प्रोसीजर या कोई भी यहां तो आपको तीनों कॉन्टेक्ट में देखना है तीनों कॉन्टेक्ट में देखना है मतलब क्या मतलब आपको बाय एयर बाय सी रूट और बाय लैंड रूट ये तीनों कॉन्टेक्स में आपको पढ़ना है ओके कस्टम्स एक्ट इज इट क्लियर बेटा कम ऑन ये बात आई समझ में चलिए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहां पे तो अब तीनों एक्ट को मर्ज कर दिया और बना कस्टम्स एक्ट नाइनटीन ओके कस्टम एक्ट 1962 अब थोड़ा मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मैं जैसे हिस्ट्री बता रहा हूं वैसे हो सकता है 25 साल बाद ये हिस्ट्री बताऊगा कि पहले एक्साइज भी था फिर वैट भी था फिर सी एस भी था फिर सब वैट सी एस टी एक्साइज सर्विस टैक्स मर्ज करके जी एस टी बनाया गया और जी एस टी टू थाउजेंड सेवेंटीन लाया गया एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया गया ये हिस्ट्री में आज के पच्चीस साल बाद आपके जो आर्टिकल हो गए हो सकता है उन आर्टिकल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो आप, आ, आपके आर्टिकल बड़े खुश हो जाएंगे और आ जाएंगे और कहेंगे कि आज ना सर ने बहुत अच्छी हिस्ट्री बताई तो आप पूछो कि भाई किसके पास क्लास लगाई तो वो कहेंगे uh, 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 uh. मैंने अपना नाम नहीं लिया ठीक है तो what you, just kidding. तो यहां पे ये ये था कि 1962 में कैसे बना दूसरा बेटा मैं थोड़ा ग्लोबल पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ डब्ल्यू ट्यू एंड ग्लोबल पॉलिसी अब मैं आपको एक बात बता दू कि इंडिपेंडेंस के पहले यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी जो रेट थे वो पांच थे आई रिपीट इंडिपेंडेंस के पहले कस्ट इम्पोर्ट ड्यूटी जो रेट थे वो कितने थे पाँच परसेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट में लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला हमारा कस्टम ड्यूटी रेट शूट हो गया और वो जो है थ्री हंड्रेड परसेंट ऑन गुड्स यानी जस्ट इमेजिन यानी इंडिपेंडेंस के पहले सौ रुपए का गुड्स अगर आप लाते हो तो वो सौ रुपए के गुड्स पे सिर्फ पांच रुपये कस्टम ड्यूटी थी लेकिन ओके okay, जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिला हमने कस्टम ड्यूटी रेट सब्सटैंशली बढ़ा दिए ओके okay, तो अनप्रेसिडेंट लेवल पे बढ़ा, बढ़ा दिए और 300 परसेंट कर दिया मतलब सौ रुपए का गुड्स होगा तो कस्टम ड्यूटी ही तीन सौ रुपए होगी सौ प्लस तीन सौ चार सौ रुपए उसकी लैंडिंग प्राइस होगी सर इतना क्यों बढ़ाया सडनली इतना शॉर्ट क्यों किया आपके इसमें सवाल आएगा कि सर वाए? ओके इतना क्यों बढ़ाया गया तो बेटा यहां पे इसको इसलिए इतना बढ़ाया गया क्योंकि इसके पीछे दो रीजन थे एक स्कैसिटी ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास फॉरन एक्सचेंज नहीं था ध्यान से देखना हमारे पास फॉरन एक्सचेंज नहीं था भाई फॉरन एक्सचेंज क्यों चाहिए क्योंकि जब गुड्स इंपोर्ट होता है तो उसके पेमेंट फॉरन एक्सचेंज में होते थे और इंडियन इंडिया को जस्ट अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला था पैसा कहाँ था हमारे पास फॉरन एक्सचेंज में तो ऐसे सिचुएशन में ओके okay, हम फॉरन करेंसी में पे ही नहीं कर सकते थे तो वो केस में हमें इंपोर्ट को कहीं तो भी इनडायरेक्टली रोकना पड़ा और हमने इनडायरेक्टली कैसे रोका इंपोर्ट को तो हमने कस्टम ड्यूटी बहुत बढ़ा दी उसके ऊपर तीन बहुत सारे गुड्स तीन पे थे एज वेल एज हमने लाइसेंस भी रख दिए मतलब इंडिया में कोई भी ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकता था अगर इंडिया में इंपोर्ट करना है तो उसके पास लाइसेंस होना जरूरी था आज ठीक है आज आप अमेजोन से कुछ लिमिट तक इंपोर्ट कर सकते हो एक सर्टन लिमिट तक इंपोर्ट कर सकते हो पर पहले ऐसा नहीं था पहले जब भी किसी को कुछ भी इंपोर्ट करना है तो 1992 के पहले लाइसेंस होना जरूरी था आज भी बहुत से केसेस में लाइसेंस है लेकिन 90 परसेंट केसेस फ्री इंपोर्ट में है थोड़ा मैं बाद में आप समझाऊंगा आपको तो लाइसेंस रख दिया कस्टम्स ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी उसके वजह से क्या इनडायरेक्टली कस्टम पे इंपोर्ट पे कंट्रोल कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं था और दूसरा मेन रीज़न मेन रीज़न ये था बेटा क्या यार मेन रीज़न था टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन अब टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन मतलब क्या क्योंकि देखो अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला था अगर हम हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करते थे ध्यान से सुनना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करते थे तो वो सिचुएशन में फ़ॉरन कॉम्पिटिशन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप कभी नहीं होने देती थी जैसा दुबई दुबई की खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पाई पूरा यूएस का कंट्रोल है वहां पे इंडस्ट्रीज पे तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए अब ठीक है अभी अब वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं लेकिन नो no डाउट बहुत बड़ा यूएस का इन्फ्लुएंस है दुबई में हमको उसके डिटेल में नहीं जाना है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अगर बढ़ावा देना है आगे बढ़ाना है तो हमें फॉरेन गुड्स को रोकना पड़ेगा फॉरेन कॉम्पिटिशन को रोकना पड़ेगा ये दो मेन रीजन थे जिसके वजह से कस्टम ड्यूटी थ्री परसेंट और दूसरा कस्टम्स लाइसेंस थे ओके उसके बाद में नेक्स्ट बेटा थोड़ा और इसकी हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं लेकिन अब थोड़ा मैं आपको ये, ये समझा देता हूं नीचे का स्लाइड शायद आपको नहीं दिख रहा होगा पर मैं थोड़ा ये, ये स्लाइड को समझा देता हूं और वो इस तरह से बेटा कि आ, जैसे पहले इनिशियल स्टेज पे 300 परसेंट कस्टम ड्यूटी थी और फिर 1992 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो रिफॉर्म के बाद कस्टम ड्यूटी उन्होंने 300 परसेंट से कम करना चालू कर दिया आज का पिक कस्टमेंट्रेड परसेंट इनिशियल पहले चालीस बयालीस साल हमने okay, यहाँ पे थ्री जो है कस्टम ड्यूटी लगाई और उसके बाद कस्टम ड्यूटी जो हमने दस परसेंट पे लेके गए ऐसा क्या रीजन था इतनी कस्टम ड्यूटी क्यों हमने कम कर दी तो उसका बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रीजन मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा एक तो डब्ल्यूटीओ पॉलिसी दूसरा फॉरेन कॉम्पिटिशन के वजह से हमें इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी कंपटीशन में लाना पड़ा और तीसरा जो है कंट्रोल ऑन स्मगलिंग एंड हवाला अब सबसे पहले बात करते हैं हम डब्ल्यू पॉलिसी पे ओके okay, डब्ल्यू क्या पता है आपको डब्ल्यू क्या होता है बेटा फाइनल लेवल पे हो नालायकी मत करना ओके okay, नालायकी मेरा फेवरेट वर्ड है मैं प्यार से बोलता हूँ डन तो यहाँ पे डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले इसका नाम था गैट जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड ओके तो क्या था एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ओके जिसमें इंडिया फाउंडर मेंबर था गैट की गैट और अब बना हो डब्ल्यू टी ओ तो क्या हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये थे कि इंटरनेशनल जितने भी ट्रेड होते हैं और इंटरनेशनल टेरिफ जो होते हैं इसको ओके okay, तो ये जो इंटरनेशनल जितने भी ट्रेड होते हैं बेटा और यहाँ पे टेरिफ जो है Uh, ये कॉमन रखे जाए यानी ऑल ओवर वर्ल्ड ओके एक में कंट्री में ट्रेड करने के लिए कॉमन पॉलिसीज रखी जाए कॉमन रेट लगे जाए तो उसके लिए एक गैट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और बाद में वो डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूस इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर था 1992 के पहले कि देखो आप फाउंडर मेंबर हो गैट के हो और डब्ल्यू तो 1995 में बना पर पहले गैट का जो कंटिन्यूस प्रेशर था और वो ये प्रेशर था कि आप मेंबर हो आप अपनी पॉलिसी जो है ओके कॉमन टैरिफ पे लाओ कॉमन पॉलिसीज पे लाओ जैसे आपके गुड जब हमारे कंट्री में आते तो हम क्या रेट लगाते दस परसेंट बीस परसेंट और हमारे गुड जब आपके कंट्री में आते तो आप तीन रेट लगाते हो ये कहां की इंसाफ हुआ ये तो बड़ी ना हुई तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आप जो रेट जो है इतने मत करो तो इंडियन गवर्नमेंट मान नहीं रही थी 1992 में क्योंकि हम क्लोज इकोनॉमी में चल रहे थे हम बहुत डर से चल रहे थे तो इंडियन गवर्नमेंट जो है मान नहीं रही थी तो फिर क्या होता था बहुत सी फॉरन गवर्नमेंट स्पेशली इंडियन गुड्स पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा के रखती थी क्योंकि वो कहती थी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है जबकि डब्ल्यू की पॉलिसी या गैट की पॉलिसी थी कि अक्रॉस द कंट्रीज सभी एक में एक के गुड्स को इक्वल ट्रीटमेंट दे और यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में हम भी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाए के तो इसके से क्या हुआ कि हमारे गुड्स की पहचान बाहर इतनी ज्यादा बनी नहीं और बाहर इतनी ज्यादा हेवी ड्यूटी लगा दी कि इंडियन इंडस्ट्री कभी डेवलप हो नहीं पाई क्योंकि यहां से वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाए क्यों क्योंकि बाहर लोगों ने हेवी ड्यूटी लगाया डब्ल्यूटीओ का प्रेशर कंटिन्यूअस था कि ड्यूटी कम करो दूसरा मैं बता देता हूं बेटा वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक भी कंटिन्यूस यहां पे इंडियन गवर्नमेंट पे यहां प्रेशर डाल रही थी कि आप अपनी पॉलिसी ओपन करो कस्टम्स के लाइसेंस खत्म करो और फ्री ट्रेड होने दो और उसके बाद में ड्यूटी भी कम करो तो वर्ल्ड बैंक इसलिए हमारे पे प्रेशर डाल रही थी कि हमने वर्ल्ड वो, बैंक से बहुत ज्यादा बोरोइंग करके रखी थी थीज लोन था अरे हमारी तो सिचुएशन 1992 में ऐसी थी कि वर्ल्ड बैंक की इंस्टॉलमेंट देने के लिए बोरो करते थे तो वर्ल्ड बैंक का बहुत ट्रिमेंडस प्रेशर था और वर्ल्ड बैंक का नो डाउट अमेरिका का इंफ्लुएंस था बहुत से यूरोपियन कंट्रीज का इंफ्लुएंस था और क्या हुआ था कि एटीज में यूरोपियन कंट्री में यहां पर थोड़ा रेस, सीवियर रेसेशन थोड़ा नहीं सीवियर रेसेशन आ गया था वहां प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट ही नहीं हो रही थी अब उनको दो मार्केट बड़े लुक्रेटिव लग रहे थे इंडिया और चाइना अब इंडिया जो है वो क्लोज में चल रहा है चाइना भी बहुत दिनों तक क्लोज पॉलिसी में चला तो यहाँ एक तरह से इंपोर्ट बैन ही था एक तरह से बैन था डायरेक्ट बैन नहीं था कि एक तरह से कैसे बैन था हेवी कस्टम ड्यूटी और लाइसेंस रखे हुए थे तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ दोस्तों इंडिया में कैसे वहाँ से गुड्स भेजे जाए बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज ओके यहाँ पे यू वगैरह जो है ये इंडिया में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे क्योंकि बड़ा लुक्रेटिव मार्केट था और बहुत बड़ा मार्केट था तो वो लॉन्च ही नहीं कर पा रहे थे वो तो इंडिया में गुड्स एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू पे प्रेशर लाया गया क्योंकि हम हमने बहुत सारा लोन लेके रखा था तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू प्रेशर लाया गया कि नहीं 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 ओके पे फोर्स करो इंडियन गवर्नमेंट को 1992 में तो सिचुएशन उन्होंने ऐसी कर दी थी यहां पे दोस्तों कि लोन नहीं देंगे Uh, अगर तुमने पॉलिसी ओपन नहीं किया अगर तुमने कस्टम ड्यूटी रेट कम नहीं किया तो अगर तुमने अपनी इकोनॉमी ओपन नहीं की तो अब हमारी सिचुएशन तो ऐसी थी कि हम इंस्टॉलमेंट देने के लिए लोन निकालते थे तो सच में उन्होंने बोरिंग्स बंद कर दी लोन देना बंद कर दिया सॉरी सो, uh, uh, लोन देना बंद कर दिया तो ऐसे एक स्टेज ऐसी आ रही थी मुझे याद है मनमोहन यहाँ पे मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिंह राव गवर्नमेंट में नरसिंह राव जी ये जो है प्राइम मिनिस्टर थे कि यहाँ पे हमारे पास फॉरन एक्शन रिजर्व सिर्फ नेक्स्ट फोर्टीन डेज का था आज हमारा फॉरन एक्शन रिजर्व बहुत स्ट्रॉग है पर तब ऐसी सिचुएशन इस इस आ गई थी कि हमने गोल्ड जो है गोल्ड यहाँ पे मॉर्गेज कर दिया था वर्ल्ड बैंक के पास उसके बाद फोर्टीन डेज का सिर्फ हमारे पास फॉरन एक्शन रिजर्व था तो इतना प्रेशर डाला गया कि हमें इकोनॉमी ओपन करनी पड़ी और कस्टम ड्यूटी जो है बेटा हमें कम करने पड़े और एक बात आपको यह भी कहू कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं थे मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा लेकिन नो no डाउट बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है तो वो खुद भी चाहते थे कि इंडियन इकोनॉमी ओपन हो और वो राजीव गांधी गवर्नमेंट से फोर्स कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी ओपन की जाए कि उनके बहुत सारे रीज़न थे उसमें से एक मेन रीज़न ये था कि जब तक फॉरिन कॉम्पिटिशन इंडियन इंडस्ट्री को नहीं मिलती है और इंडियन इंडस्ट्री नहीं सुधरेगी क्योंकि क्या था कि इंडिया का गुड्स बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है और क्या एक्सपोर्ट हो रहा है जूट या कुछ गिने चुने गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं जिसमें हमारा नाम भी नहीं हो रहा है और इंडियन गुड्स को एज अ पुअर क्वालिटी के साइन वर्ल्ड में माना जा रहा है तो वो ये देख रहे थे कि uh, यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री बिल्कुल केयरलेस है निग्लीजेंट है वो फॉरेन मार्केट देख ही नहीं रही है और फॉरेन में भी हमारे गुड्स पे बहुत सारा हेवी ड्यूटी लगाने की वजह से वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे है। तो वो ये देख रहे थे कि इंडियन इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में मार्केट चला रही है मोनोबली कर रही है और कुछ गिने चिने इंडस्ट्रियलिस्ट ओके टाटा बिरला वगैरह ये इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं क्वालिटी पे ध्यान नहीं है प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ध्यान नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में इंडियन इंडस्ट्री फिर वो गुड्स में हो या सर्विसेस में हो इनको मार्केट कॉम्पिटिशन आनी ही चाहिए ओके इनको मार्केट कंपटीशन आनी चाहिए ओके इकोनॉमिक ग्लोबल होनी चाहिए ओके और सही कहा यहाँ पे कमल ने ग्लोबल और लिबरल भी होनी चाहिए तो ऐसे सिचुएशन में 1992 में यहाँ ओके नरसिहरा गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह इन्होंने बहुत बड़े डिसीजन लिए और आपको सो क्या सॉरी आपको सही कहो क्या कॉम्पिटिशन चाहिए बेटा तो ही आदमी सुधरता है Okay, बिना कंपटीशन तो मोनोबल करता है पर कंपटीशन रही तो ही वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है तो ये, ये आपको एक बात बता दूं मैंने ये देखा है और इंडियन इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई ओके okay, थोड़ा एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा नाइनटीन की बात है 1997 की बात है बैंक में लोन इजीली नहीं मिलते थे और नेशनलाइज बैंक थी गवर्नमेंट बैंक्स थी ओके okay, फिर एस को या महाराष्ट्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को तो ये नेशनलाइज बैंक में अगर आपको छोटा सा पच्चीस हजार का भी लोन लेना रहा ना तो वहाँ मैनेजर uh, अपने आप को किंग समझता था और मैनेजर तो छोड़ो वहाँ प्यून भी अपने आप को किंग समझता था मुझे याद है मैं अपने पापा के साथ जब होम uh, लोन निकालने गया था पचास हजार का होम लोन था और होम लोन निकालने पापा के साथ ऐसे ही गया था मैं कुछ सेवन एट में होगा ऐसे ही गया था तो वहाँ का प्यून भी अपने आप को किंग समझता था और लाइन में खड़े रहो मोनोबली चल रही है तो उनकी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट हमको होती थी और फिर मैनेजर से पचास हज़ार का लोन लेना है तो उसको घर पे खाना खाने बुलाओ और Uh, दो यहाँ उनके पीछे लगो लेकिन आज देखो जब कंपटीशन आई ओके फॉरेन बैंक्स इंडिया में आई या फिर इंडियन बैंक्स प्राइवेटाइज हुई तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सी प्राइवेट बैंक लाइक एच डी ये बैंक जब ओके आई और कॉम्पिटिशन मिला नेशनलाइज बैंक को तो आज का सीनारी देखो जब आप बैंक में जाते हो कहते एक रिसेप्शनिस्ट आती है कहती है मे आई हेल्प यू ऐसा लगता है बाप रे कुछ तो हो गया तो इन सिंपल वर्ड में आपको इतना कहना चाहूँगा कि येस कंपटीशन से आदमी सुधरता है और आज देखो एस है कि प्रोडक्ट्स देख लो ठीक है कितना भी क्या तो गवर्नमेंट बैंक है नेशनलाइज बैंक है पर इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है बहुत से आ, यहां पे बैंक्स में उन्होंने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है दूसरा मैं बताता हूँ टेलीकॉम सेक्टर रिवॉल्यूशन हो गया रिवॉल्यूशन पहले बी और एम के कनेक्शन दो दो साल नहीं मिलते थे और जिसके आप फोन है उसको रिच पर्सन माना जाता था ओके और मुझे याद है कि हमारे बाजू में जो ओके थोड़ी रिच फैमिली थी उनके आप फोन था और तो हम आ, उनसे संबंध जो है बहुत अच्छे बना के रखते थे कनेक्शन क्यों क्योंकि हमारे कॉल वहाँ आते थे और फ़ोन को ऐसा पहली बार जब मेरे यहाँ फ़ोन आया तो मैं उसको दस बार उठा के देखा कि चलो मेरे यहाँ फ़ोन है तो पहले यहाँ पे क्या था कि मोनोपल्ली थी कस्टमर बेस्ड सर्विसेस नहीं थे आज देखो आज रिवॉल्यूशन हो गया है या आज आपके पास ओके okay, दो दो मोबाइल है और हर मोबाइल में दो दो सिम कार्ड है एक इसके लिए एक उसके लिए सर उसके लिए अब वो आप समझ लो तो अब इन सिंपल वर्ड बेटा मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि बहुत रिवॉल्यूशन हो गया और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इकोनॉमी ओपन की हम लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये पॉलिसी पे हमने वर्क किया 1992 के बाद और ये सही कहा ओके okay, कमल आज तो पकड़ पकड़ के लोन देते प्री अप्रूव लोन जो है ओके okay, तो आपको पहले ही प्री अप्रूव लोन हो जाते हैं तो वाटर रिट में भी तो ये था रिगार्डिंग टू बेटा जहाँ तक देखा जाए यहाँ पे कंपटीशन uh, होना जरूरी था और मेन दूसरा एक रीज़न कि हमने कस्टम ड्यूटी रेट और इम्पोर्ट uh, लिबरल क्यों किया स्मगलिंग एंड हवाला 60's में, फिफ्टीज सिक्सटीज और सेवेंटीज में इतना स्मगलिंग हुआ और सब, स्मगलिंग क्यों नहीं होगा तीन सौ परसेंट कस्टम्स ड्यूटी ओके तो लोग स्मगलिंग ही करेंगे ओके okay, आपको याद होगा कि पहले यहाँ पे दाऊद के पहले जो है स्मगलिंग जो था फिर दाऊद आया स्मिंग मैन एक्सेट्रा सेवेंटीज एटीज में तो बहुत ज्यादा हुआ अगर आपको याद होगा तो पहले मूवीज भी ऐसी बनती थी विलन कौन था तो स्मगलर मोना ये लो सोना कुछ याद आया आपको तो विलन फिक्स था स्मगलर और यहाँ पे लास्ट मूवी स्मगलिंग की मैंने जो देखी 1990 में नाइनटी में मोगैम खुश हुआ तो विलन फिक्स था स्मगलर और यहाँ पे एक्ट्रेस और एक्टर जो है वो लड़ रहे हैं कहीं तो भी यहाँ सक्सेसफुल हो रहे हैं और आखिरी में पिक्चर खत्म हो रही है लेकिन फिर क्या हुआ 1992 के बाद रेट कम होने लगे स्मगलिंग uh, का बिजनेस ही खत्म कर दिया गया क्यों क्योंकि रेट इतने कम कर दिए कि स्मगलिंग कौन करेगा ओके तीन परसेंट कस्टम ड्यूटी में स्मगलिंग में मजा भी आता था लेकिन अब क्या अब कोई स्मगलिंग का मतलब ही नहीं अब तो बहुत से गुड पांच में भी है ओके okay, दस ये मैक्सिमम गुड्स है पर बहुत से गुड्स पाँच में भी है एग्जम्पन में भी है कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है तो बेटा बहुत कम कर दिया इसलिए आजकल कैसा है कि मूवीज जो है अब स्मगलिंग में ज्यादा नहीं होती है वो स्मगलिंग होगा तो उनका थीम ही अलग होता है कोई स्मगलर डॉन वगैरह नहीं होता है हाँ इसलिए मूवी का पैटर्न भी बदलने लगा आज की मूवीज तो बता अलग अलग आती है क्या कहो और उसमें नेटफ्लिक्स ने तो जमाना ही बदल दिया है ओके तो <laughs> क्या कहे वॉट इट मे बी तो स्मगलिंग इतना ज्यादा होता था अनप्रेसिडेंट लेवल पे होता था तो उस पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो है ओके okay, ये कस्टम ड्यूटी रेट कम किए गए तो हमें बहुत फायदा हुआ और इकोनॉमी लिबरल और ओपन करने का और कस्टम ड्यूटी कम करने का तो आ रहा है दोस्तों समझ में हाँ बोलो कोई सोया तो नहीं है <laughs> मजा आ रहा है डिस्कशन में ओके okay, यस yes, आपको मेरे साथ इन्वॉल्व होना है सब यस बोलेंगे जस्ट मिनट बेटा चलो चालू करते हैं हमारा एक्ट सबसे पहले तो आते हैं इंडेक्स पे बेटा

प्रोसीजरल चैप्टर है है कि इंडिया इंडिया में जब गुड्स इंपोर्ट होता है या से एक्सपोर्ट होता है तो वो सिचुएशन में ध्यान सुनना इंडिया में जब इंपोर्ट होता है या इंडिया से एक्सपोर्ट होता है तो वो सिचुएशन में यहाँ क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ती है आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओके वो सब डिटेल प्रोसीजर यहाँ पे दिया है चैप्टर टू की खास बात यह कि इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो आपको लर्न करना पड़ेगा है, repeat, है, है, ये सब डॉक्यूमेंट का रेफरेंसेस उन्होंने आगे के लेक्चर में okay, uh, मतलब आगे सब चैप्टर्स में कवर किया है इसलिए चैप्टर टू मैं आपको पहले इसलिए पढ़ा देता हूँ क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रेफर किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है क्ट क्वेश्चन नहीं आते पर उसका आगे पूरे डिस्कशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ठीक है ना उसके बाद में डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड टेरी वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके आपने कौन से कस्टम ड्यूटी के रेट लेने चाहिए ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टम टेरिफ एक्ट में एसीडीज कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटीज आई रिपीट कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटीज ओके ये भी एन पे लिया जाएगा तो ओके okay, पे पे एसीडी कैलकुलेशन भी आई रिपीट एसीडी कैलकुलेशन पे भी जो बेटा यहाँ किस तरह से किया जाएगा तो वो भी हम यहां देखेंगे उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखेंगे वैल्यूएशन चैप्टर तो वैल्यूएशन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा तो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो भी प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, से तो हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है दस से ग्यारह मार्क के न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट कंसेशन अंडर कस्टम्स और एक्सेप्शन टू सेक्शन ट्वेल्व आई रिपीट कंसेशन अंडर कस्टम्स और एक्सेप्शन टू सेक्शन ट्वेल्व ठीक है तो इसमें बहुत सारे कस्टम्स में कंसेशन दिए मतलब आपका गुड्स डैमेज हो गया ड्यूरिंग ट्रांजिट ट्रांसिट हो गया ओके okay, तो वो केस में हमें कस्टम्स के बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेगा तो ये चैप्टर में पढ़ेंगे रिगार्डिंग टू कंसेशन फिर अगर आपका गुड्स पोस्ट या कुरियर से आया तो क्या प्रोसीजर है कस्टम्स की एज अ स्टोर आया तो क्या मतलब प्रोसीजर है अगर अनादर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ड्रॉबैक मतलब आपको कस्टम्स के रिफंड मिलते हैं अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो ड्रॉबैक ये चैप्टर अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बैगेज ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं फिर कस्टम टेरीफेक्ट कस्टम टेरीफेट एक्चुअली मैं दो पार्ट में लेता हूं पहले पार्ट चैप्टर फोर में लेता हूं जहां एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज में पढ़ाता हूं और दूसरा पार्ट बेटा कस्टम टेरीफ एक्ट का मैं यहां लेता हूं ओके जिसमें ध्यान सुनिएगा दूसरा पार्ट मैं यहां पे लेता हूं जहां पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी सेफ गार्डी ड्यूटी गार इसके ऊपर स्पेशल डिस्कशन होता है और दो छोटे चैप्टर है ऑडिट एंड रिफंड और, और लास्ट में फॉरिन ट्रेड पॉलिसी फॉरिन ट्रेड पॉलिसी में यहाँ पे कवर करूंगा ठीक है बेटा डन क्लियर ओके तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ओके okay, कौन कौन से चैप्टर हम कवर करने वाले हैं और इसके बाद में मैंने डिटेल इंडेक्स भी दिया है सेक्शन वाइज कौन कौन सा सेक्शन कहाँ कहां मैंने कवर किया उसका भी डिटेल इंडेक्स मैंने दिया है वो डिटेल इंडेक्स आप रेफर कर सकते हो तो चलो शुरू करते हैं ओके अबाउट द लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी तो कस्टम ड्यूटी कैसे लेवी की जाएगी उसके बारे में यहाँ डिस्कशन शुरू करते हैं ठीक है यस yes? चलिए पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी इसमें हमने डिस्कस किया आर्टिकल 265 अगर आपको याद होगा तो चलो देखो आर्टिकल 265 क्या कहता है नो टैक्स बी और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर दिटी ऑफ लॉ मतलब टैक्स लगाना है तो लॉ उससे रिलेटेड लॉ होना जरूरी है लॉ बनाने की पावर आर्टिकल 245 में दी है पार्लियामेंट को और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को यह पावर दिया गया है उसके बाद में आर्टिकल 246 में यहाँ पे एंट्री नंबर 83 ये पावर देता है कि कस्टम ड्यूटी लगाने का और ये इम्पोर्टेंट एंट्री नंबर 83 ये याद रखना आर्टिकल 246 फोर्टी शेड्यूल सेवन लिस्ट वन में एंट्री नंबर 83 आपको ये पावर देता है कि हम कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी चलिए टैक्स हिरार टैक्स हिरार अब बेटा ये जो है ये आपने लिख लेना जीएसटी का पहले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि रूल्स क्यों बनाया जाता है रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है तो यहाँ से लिख लेना ले वैसे आपको अदर फैकल्टीज ने पढ़ाया होगा लेकिन जीएसटी एस में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आप ये लिख लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखो फर्स्ट पॉइंट या आपके नोटबुक में लिख लो अगर आपके आपने नोट्स डाउनलोड नहीं किया होगा तो यहाँ नोटबुक में सर आप क्या ये मार्क्स नोट दोगे तो मैं कल बता दूंगा आपको कहाँ क्या क्या अंडरलाइन करना है आपने प्रिंट निकाल के फटाफट आपने अंडरलाइन करना और फिज़िकल नोट्स आपको जब आ जाएगी तो उस पर से बाद में आपने करेक्शन कर लेना ठीक है तो फिज़िकल नोट्स का डिस्पैच हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली कल से ही स्टार्ट हो जाएगा तो आपको आ जाएगी तब तक प्रिंट आउट में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या लिखना है अभी आप मेरे साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो ओके okay, कि पूरी लॉ की हिरार क्या होती है नहीं नहीं कौश आ, कौशाली ओके okay, आपका सवाल एक कस्टम है कि कल कस्टमर मोस्टली थेरी है क्या थेरी uh, है पर एनिमेटेड में बड़ा इंटरेस्ट आता है और दो तीन चैप्टर जैसे वैल्यूएशन हो गया ड्रॉबैक हो गया बैगेज इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे सो डोंट वरी फॉर दैट ठीक है तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है इसमें लिखो इट इज सुप्रीम लॉ आपके नोटबुक में लिखते जाओ सुप्रीम लॉ All Acts or Law Emanates from Constitution of India Constitution of India hai? Act अच्छा मुझे बताओ एक्ट कौन पास करता है वैसे मैं जीएसटी के फर्स्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में कॉर करूंगा ठीक है पर आप बेसिक जानकारी दो कि कौन एक्ट पास करता है सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ठीक है तो हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं कस्टम में तो लिखो फर्स्ट पॉइंट इट इज पास बाय द पार्लियामेंट बाय द पार्लियामेंट और सेकेंड एक पॉइंट आपको पूछना चाहूंगा मुझे बता अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एक्ट में यहां कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एक्ट में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो क्या प्रिवेल होगा एक्ट प्रिवेल होगा या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है वो सुप्रीम लॉ है हमारा तो ये पॉइंट लिखना है तो आप यहां लिख सकते हो लिखो प्रोविजन of constitution of India India will prevail over act take care. Next रूल्स कौन बनाता है देखो एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है और वो एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में तो फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट रूल्स बनाए जाते हैं और रूल्स बनाए जाते हैं बाय गवर्नमेंट अभी तो यहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक्ट के तहत रूल्स इशू करती है ठीक है यहां लिखो फर्स्ट पॉइंट इट इज इशूड

प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट यानी जो एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में उसका इंप्लीमेंटेशन सही तरह से होना चाहिए इसके लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाती है ठीक है उसके बाद में रेगुलेशन रेगुलेशन ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट मतलब बहुत सी बार फॉर्म जो होते हैं उसकी कितनी कॉपीज होनी चाहिए वो फॉर्म किसके पास जाएगा कौन से जुडिशनल कमिश्नर के पास जाएगा आप रिफंड कहाँ क्लेम करोगे उसका कंटेंट क्या होना चाहिए ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो है कौन से ऑफिसर की क्या पावर होगी ये सब डिसाइड होता है थ्रू रेगुलेशन और रेगुलेशन इशू करता है सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ठीक है बेटा तो लिखो रेगुलेशन

administration of act for proper administration of act for proper administration of act take what is the difference between rules and regulation a proper implementation of act and a proper एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट मतलब क्या एक्ट में ब्रॉड पॉलिसी बन जाती है कि हमारी ब्रॉड पॉलिसी क्या रहेगी फिर ब्रॉड पॉलिसी के अंदर सब पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाता है क्योंकि वो ब्रॉड पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लीमेंट होने के लिए सब पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है और वो सब पॉलिसीज होती है रूल्स और ये एक्ट और रूल्स आई रिपीट एक्ट और रूल्स यहां पे, ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में आनी चाहिए इससे रिलेटेड कितने फॉर्म्स हो गए कौन सा फॉर्म कहाँ देना है आपको अगर कुछ ट्रांसफर करना है तो कौन सा फॉर्म बनाना पड़ेगा उसका कंटेंट क्या होना चाहिए कौन से ऑफिसर के पास आपने देना चाहिए तो उसके लिए होता है रेगुलेशन एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ अगर एक्ट और उससे रिलेटेड रूल्स पढ़ते वक्त कॉन्ट्रेडिक्शन आ जाए यानी एक्ट की प्रोविजन और रूल्स की प्रोविजन इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो क्या प्रिवेल होगा दोस्तों बताइए क्या प्रिवेल होगा मुझे आंसर चाहिए आपसे एक्ट प्रिवेल होगा कि रूल्स एक्ट प्रिवेल होगा कि रूल्स ये हिरार की मैं पढ़ा रहा हूं वेरी गुड निशा एक्ट प्रिवेल होगा सुनैना आपने भी सही आंसर दिया आयुष ओके okay, यहां पे एक्ट प्रिवेल होगा तो और सेम रूल्स और रेगुलेशन में अगर कॉन्ट्रोडिक्शन आए तो रूल्स प्रिवेल हो गए तो मैंने जो दिए है वो पूरा हिरार की प्रॉपर वे में आपको दी है यस वेरी गुड सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं और सबने सही आंसर दिया है उसके बाद में बेटा नोटिफिकेशंस अब ये नोटिफिकेशंस क्या होते हैं जनरली जब कोई कस्टम से एग्जाम्शन देना है कस्टम ड्यूटी से मे बी फॉर सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि समझ लो uh, यहाँ पे कोविड में कोविड में फॉरेन गवर्नमेंट से कोई हेल्प आ रही है मेडिसिन आ रही है वैक्सीन आ रही है और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए तो टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसकी कस्टम ड्यूटी एग्जम की जा रही है कम की जा रही है तो ये डिसाइड होता है बाय नोटिफिकेशन तो बाय नोटिफिकेशन बहुत सारे एग्जाम्शन नोटिफिकेशन आते हैं एज वेल एज बहुत सी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब होती है थ्रू नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन कौन इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट सी सी नहीं कौन इश्यू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहला पॉइंट लिखो इट इज इश्यूड बाय बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्जम्ट ड्यूटीज टू एक्जम ड्यूटीज एंड सॉरी एंड नहीं टू प्रिस्क्राइब प्रोसीजर अंडर कस्टम्स एक्ट टू प्रिस्क्राइब प्रोसीजर अंडर कस्टम्स एक्ट ठीक है तो यहां पे हाँ हाँ सही है सही है <laughs> बुक में मेरे नोट्स में अभी भी जेटली जी की पिक्चर है बेटा कहाँ कहाँ अमेंडमेंट करना है जी तीन साल से परेशान कर रहा है ओके okay, हर हर इसमें अमेंडमेंट हो जाती है तो एक अच्छा मनीष ने नोट किया और मैं बिल्कुल करे करूँगा कि सर जेटली जी की पिक्चर निकाल के यहाँ पे निर्मला सीतारामन इनकी पिक्चर लगा दो तो सही सही बोला आपने आ, और ये जो नोटिफिकेशन इशू होते हैं ये जनरली ऑफिशियल गैजेट में इश्यू होते हैं और सर्कुलर ओके सर्कुलर क्या होता है बेटा मैं आपको बता दूं तो सर्क्यूलर यहां पे बहुत सी बार law या रूल्स ये क्लियर यहा क्लियर प्रोविजन उनकी नहीं होती है बहुत सी बार एम्बीग्यूटीज होती है एम्बीग्यूटी मतलब उसके दो तीन इंटरप्रिटेशन निकलते हैं जैसे मैं जीएसटी में बताऊंगा और आगे कस्टम्स में भी बताऊंगा कि यहाँ पे प्रोविजन सेम वर्डिंग सेम अलग अलग इंटरप्रिटेशन तो कभी कभी क्या होता है कुछ हमारे कस्टम डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट अलग व्यू ले रहे हैं और नेक्स्ट जैसे एमपी में यूपी में अलग व्यू लिया जा रहा है महाराष्ट्र में अलग व्यू लिया जा रहा है क्योंकि लॉ क्लियर नहीं है एम है तो ये सभी जो कंट्रोल करता है वो एक बोर्ड में आता है और वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस एंड कस्टम्स तो हर कमिश्नरेट ऑफिस सीबीआईसीड के कंट्रोल में आता है तो यहां उसका अलग अलग व्यू ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है यूनानिमस व्यू यहां पे आना जरूरी है तो यहां जहां लॉ क्लियर नहीं है एमबिक्यूस नहीं है वहां सीबीआईसी उसको क्लैरिफाई करती है कि भाई देखो अभी इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा लिया जाएगा और ऑल ओवर इंडिया ये इंटरप्रिटेशन फॉलो किया जाएगा तो ये क्लैरिफिकेशन ये डायरेक्शन सीबीआईसी से आता है और वो डिपार्टमेंट को यानी कस्टम डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट को यहाँ फॉलो करना ही पड़ता है वो कंपलसरी होता है पर यह एस पे बाइंडिंग नहीं होता है एस ये क्लैरिफिकेशन के अगेंस्ट में केस चैलेंज कर सकता है यानी यहाँ कोर्ट में जा सकता है क्योंकि ये सी का इंटरप्रिटेशन है जहाँ लॉ एम्बिग्युअस है जहाँ रूल्स एम्बिग्युस है हाँ सी सी के सर्कुलर चैलेंज हो सकते हैं उसके अगेंस्ट में या टैक्स पेयर कोर्ट में जा सकता है लेकिन ये डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग हो सकता है तो लिखो यहां पे सर्कुलर इट इज एन डायरेक्शन लिखो इट इज अ डायरेक्शन इट इज अ डायरेक्शन और क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन इश्यूड बाय सीबीआईसी डायरेक्शन और क्लैरिफिकेशन इश्यूड बाय सीबीआईसी सीबीआईसी टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन फॉर्मिटी इन अप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ लॉ वेर वेर इट इज एम्बिग्युअस बेटा वो वहां लिखते नहीं आ रहा है ओके वेयर इट इज एम्बिग्यूस आप लिख दो Where it इज एम्बिग्युअस ठीक है सेकेंड सेकेंड आप लिखो इट इज बाइंडिंग ऑन इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मतलब ये कमिश्नरेट ऑफिस यहां पे, जितने भी एक्साइज एक्साइज जीएसटी डिपार्टमेंट कस्टम डिपार्टमेंट है उन पर बाइंडिंग होता है इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट बट नॉट ऑन बट नॉट ऑन टैक्स पेयर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट बट नॉट ऑन टैक्स पेयर ठीक है ये डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होगा पर टैक्स पेयर पे बाइंडिंग नहीं होगा बेटा ठीक है तो चलो हमने ये हिरार की देखी पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दूसरा एक्ट ये हिरार की हमने यहां देखा तीसरा रूल्स Next regulations, next notification and last circulars, instructions या clarifications। एक बार फिर से मेरे साथ हो जाए Constitution of India बेटा कौन pass करता है ये कोई पास नहीं करता है ये ऑलरेडी पास हो चुका था 26 January जनवरी नाइनटीन को ये हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है ये हमारा सुप्रीम लॉ है दूसरा एक्ट पास करता है पार्लियामेंट दूसरा रूल्स रूल्स कौन इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट उसके बाद में रेगुलेशन रेगुलेशन इशू करता है सी बी आई सी फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट और उसके बाद में नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है जनरली ये एग्जामेशन से रिलेटेड होते हैं या प्रोसीजर से रिलेटेड होते हैं और नेक्स्ट बेटा यहाँ पे सी बी आई सी सर्कुलर तो सी बी आई सी सर्कुलर जो है ये क्लैरिफिकेशन या डायरेक्शन होते हैं और ये जो है Uh, जहाँ लॉ अलग अलग इंटरप्रिटेशन रखता है तो उसको उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये इशू किए जाते हैं और जनरली ये डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं बेटा तो यहाँ हमने ये हिरार की कंप्लीट की चलो अब आगे के डिस्कशन पे आते हैं यहाँ पहला कस्टम्स <coughs> एक्ट 1962। टेबल ऑफ कंटेंट तो ये पहले चैप्टर में ये हमारा पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में मैं यहाँ मोस्टली डेफिनेशंस और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन वह है चार्जिंग सेक्शन में लेना चाहूँगा यानी ये चैप्टर में हम एक ही सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और उसमें आने वाले बहुत सारे वर्ड्स जो है तो उसकी डेफिनेशंस भी हमने हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ठीक है अब बेटा यहाँ पे ये मैं डायग्राम पे आता हूं लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी यस कमॉल ठीक है चलो हमारे आयुष को पिक्चर में लाते हैं भाई है ना ठीक है तो आयुष को पिक्चर में लाते हैं सोए तो नहीं बेटा स्टूडियो रिकॉर्डिंग है कोशिश कर रहा हूं आ, कि आपके साथ जितना ज्यादा हो उतना इन्वॉल्व हो जाओ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो आयुष सोया तो नहीं बेटा यस बोलो ठीक है लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी कोई भी लॉ जो टैक्स से रिलेटेड है वो थ्री स्टेजेस में कैरी आउट होता है लेवी असेसमेंट एंड कलेक्शन लेवी असेसमेंट एंड क्या बेटा कलेक्शन ये तीन स्टेजेस में ये लॉ फॉलो किया जाता है Levy means of जो भी टैक्स आपने असेस किया उसका कलेक्शन किया जाता है ये तीन मेजर स्टेप होती हैं जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ इनकम टैक्स इनकम टैक्स में पहले चार्ज क्रिएट होता है यस फर्स्ट क्रिएट द चार्ज लाइबिलिटी क्रिएट होती है उसके बाद में उसका असेसमेंट होता है और बाद में पेमेंट होता है मुझे बताओ इनकम टैक्स में लाइबिलिटी किसके ऊपर है? है किसके ऊपर इनकम टैक्स में अर्न इनकम अर्न मैं आपको एक बात बता देता हूं कोई भी टैक्स लाइबिलिटी पर्सन पे नहीं रखी है कुछ इवेंट्स पे रखी है जैसे कोई पर्सन उस इवेंट को टच करता है लाइबिलिटी अराइज हो जाती है जैसे ही वो टच करता है लाइबिलिटी अराइज हो जाती है यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहू तो इनकम टैक्स में इनकम अर्न है एक्साइज में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर था वैट में सेल ऑफ गुड्स था ये इवेंट्स पे लाइबिलिटी रखी है और एक ही पर्सन जितनी इवेंट टच करेगा उतनी लाइबिलिटी यहाँ पे वो अराइज होगी और उसको पे करना पड़ेगा जैसे एग्जाम्पल की तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि इवेंट बेस्ड लाइबिलिटी कैसे फिक्स होती है कि आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया तो आपने इंपोर्ट को टच किया कस्टम ड्यूटी है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया तो पहले मैन्युफैक्चर होते ही एक्साइज आती थी फिर वो मैन्युफैक्चर गुड्स आपने सेल किया सेल इवेंट को टच किया तो वैट और सेल्स टैक्स आ जाता था पहले अब जीएसटी आता है फिर आपने जो है उससे इनकम अर्न किया इनकम किया इनकम टैक्स एन ए पर्सन एक ही और टैक्सेस अनेक क्योंकि ये जो अनेक टैक्सेस है ये इवेंट्स पे रखे गए और जैसे ही वो इवेंट्स को टच किया लाइबिलिटी कि अराइज हो जाएगी ठीक है तो कस्टम में ऐसे क्या इवेंट्स है कि जहां लाइबिलिटी अराइज होती है वो हमें आइडेंटिफाई करना है और इस चैप्टर में हम वो आइडेंटिफाई करेंगे फिर लाइबिलिटी अराइज हुई तो उसको क्वांटिफाई करेंगे इनकम टैक्स में आपने ऐसा ही किया इनकम टैक्स में आपने क्या किया कि पहले इनकम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी फाइव एट समझा फिर उसको क्वांटिफाई किया उस कंपटीशन ऑफ इनकम किया और बाद में आपने गवर्नमेंट को उसको पे किया दोस्तों बाद में गवर्नमेंट को आपने पे किया तो पहले आपको लाइबिलिटी अराइज हुई क्वांटिफाई कलेक्शन हुआ तो कस्टम में यह जानना है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी लाइबिलिटी अराइज हो रही है ये जानना बहुत जरूरी है आप समझ रहे हो इस बात को तो यहां पे समझ लो आयुष इधर है और यहां पे ऑफिसर अब ऑफिसर पूरी तैयारी करके आया है वो आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स शेड्यूल सेवन लिस्ट वन एंट्री नंबर एटी थ्री ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लेके आया है और वो कस्टम एक्ट पास कर चुका है इमेजिन करो एंट्री नंबर 83 का पावर लेके यहां कस्टम एक्ट पास हो चुका है और ऑफिसर कंप्लीट पावर लेके आया है ठीक है तो अब ऑफिसर कह रहा है, मिस्टर आयुष बाहर आओ मुझे okay, टैक्स लेना है आपसे आयुष ने कहा फिर से आ गया अरे तुझे लास्ट टाइम यहां से निकाला था ना फिर से आ गया ऑफिसर, इसका आवाज देखो ऑफिसर का मिस्टर आयुष पे टैक्स आपको टैक्स देना पड़ेगा आयुष ने कहा डू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो यहां द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और हमने एक्ट पास कर दिया है कस्टम एक्ट नाइनटीन सिक्सटी टू और इसके तहत आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा आयुष ने कहा अरे बापरे ये तो पूरा तैयारी करके आया है ऑफिसर ने कहा तूने मेरी इंसल की थी, कसम खाई थी मैंने, और तेरे से तो okay, तो थोड़ी हम कह सकते कि गेट आउट फ्रॉम हेयर तो आइए सर बैठिए आयुष ने कहा सॉरी ऑफिसर ने कहा नहीं तुम्हारे यहां का पानी भी नहीं पीऊगा पानी भी पीना पाप है तूने मेरी बहुत इंसल्ट की गेट आउट कहा मुझे टैक्स नाउ अभी के अभी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा दैट्स ऑल आयुष ने कहा कि कि सर मुझे ये बताओ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया रोना मत रोना मत तो आयुष ने ये कहा कि सर ये बताओ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो मैंने ऐसा कौन से इवेंट को टच कर दिया कि आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो से टैक्स ले रहे हो तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से इवेंट्स पे लेवी रखी हुई है और जो इवेंट पे लेवी रखी हुई है बेटा क्या आयुष ने वो इवेंट को टच किया है क्या लाइबिलिटी अराइज हुई है तो यह जानना हमें बहुत जरूरी है तो चलिए यहां देखते हैं यह लाइबिलिटी कब अराइज होती है आगे बढ़ने के पहले एक बात और आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूंगा ये कुछ डेफिनेशन है कन्वेंस व्हीकल और ड्यूटल गुड्स ये एक्ट में पढ़ते वक्त अगर कभी भी वर्ड कन्वेंस आए ओके कभी भी वर्ड कन्वेंस आए तो कन्वेंस में तीन कन्वेंस कवर होते हैं कौन से तीनों वेसल मतलब शिप कस्टम में जब भी वर्ड वेसल होगा मतलब शिप एयरक्राफ्ट और व्हीकल तो यहाँ पे व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट मैंने आपको पहले ही कह दिया कि तीनों के लिए हमें एक ही लॉ फॉलो करना है और वो है कस्टम एक्ट वो है कस्टम एक्ट तो बेटा यहाँ पे वेसल एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल ये कन्वेंस तो बहुत से सेक्शन में ये वर्ड आएगा कन्वेंस तो जो भी सेक्शन में कन्वेंस वर्ड आएगा समझ जाना वो प्रोविजन तीनों को अप्लीकेबल है वेसल को भी अपलीकेबल है एयरक्राफ्ट को भी अप्लीकेबल है और व्हीकल को व्हीकल का मीनिंग इन्होंने सेक्शन 242 में डिफाइन किया है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लेना चाहूंगा अब मैं आपको ये बता देता हूँ अब आप अगर देखोगे कस्टम एक्ट को तो पहले सेक्शन टू की डेफिनेशन है और बहुत सारी डेफिनेशन है लेकिन मैं डेफिनेशन सब एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे डेफिनेशन जो जो चैप्टर में जितनी डेफिनेशन रिलेवेंट है वो डेफिनेशन वहाँ वो उस चैप्टर में कवर करूंगा बेटा ओके और मैं डायरेक्टली पहले सेक्शन ट्वेल्व पे जम करने वाला हूँ देखो आगे आता हूँ पर जहाँ तक डेफिनेशन की बात है तो मैं चैप्टर वाइज डेफिनेशन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ बेटा ठीक है उसके बाद में व्हीकल व्हीकल का मीनिंग कस्टम एक्ट में कहाँ माना जाता है जाएगा क्या माना जाएगा क्योंकि जहाँ जहाँ वर्ड व्हीकल आएगा वहाँ व्हीकल का मीनिंग क्या लिया जाएगा व्हीकल मतलब कोई भी कन्वेंस जो लैंड रूट पे इंक्लूड हो रहा है और रेलवे व्हीकल यानी व्हीकल जब भी वर्ड यूज होगा तो वो रेलवे को भी प्रोविजन अप्लीकेबल होगी या कोई भी कन्वेंस जो लैंड पे यूज किया जा रहा है उसे व्हीकल माना जाएगा उसके बाद में ड्यूटीएबल ड्यूटीएबल का मतलब लाइबल टू ड्यूटी लाइबल टू

Uh, जैसे इंपोर्ट होता है टेरिटरल वाटर क्रॉस कर देता है लाइबिलिटी अराइज हो जाती है पर उसका पेमेंट कब होता है जब इंपोर्टर उसको क्लियर करता है तो जब वो कस्टम्स एरिया में पड़ा होता है या वेयर हाउस में होता है कस्टम कंट्रोल वेयर हाउस में होता है तब वो गुड्स का आइडेंटिटी ड्यूटिएबल होता है मतलब ड्यूटी लाइबिलिटी आ चुकी है पर अभी तक पे नहीं हुआ है तो जब आपका गुड्स कस्टम्स एरिया में है या कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में है तो उसका स्टेटस होता है ड्यूटिएबल गुड्स मेरी बात समझ में आपको तो वो कहा जाता है ड्यूटेबल मतलब लाइबल टू ड्यूटी बट ड्यूटी नॉट पेड एक बार आपने ड्यूटी पे कर दी तो अब वो ड्यूटेबल गुड्स नहीं रहे इसका रिलेवेंस क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नाउ नेक्स्ट बेटा यहां पे अगर आप नोटबुक में लिख सकते हो तो लिख लो कस्टम में यहां पे आपको दो एक्ट पढ़ने हैं कस्टम्स एक्ट कस्टम टेरिफ एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फाइव हमें ये दो एक्ट पढ़ने हैं सर ये 1962 सिक्सटी टू और 1975 फाइव इन कस्टम टेरिफ एक्ट इसमें क्या डिफरेंस है कस्टम्स एक्ट 1962 सिक्सटी टू जो है ये हमें प्रोसीजर बताता है कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन बताता है वैल्यूएशन बताता है तो ये पूरा कस्टम्स एक्ट में पढ़ना है जो हमारा मेन एक्ट रहेगा उसके बाद में कस्टम टैरिफ एक्ट रेट एक्ट नहीं टैरिफ एक्ट क्या हुआ बेटा यहाँ पे अब मैं आंसर देना चाहूंगा बीच में किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं अभी देना चाहूंगा बेटा देखो यहाँ पे कस्टम टेरिफ एक्ट तो हुआ ऐसा था कि जैसे हम गैट के फाउंडर मेंबर हैं इंडियन इंडिया गैट का फाउंडर मेंबर है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड मतलब सभी कंट्रीज जो गैट की मेंबर थी ये कॉमन जनरल एग्रीमेंट पे आए कि जो टैरिफ रेट एक जैसे रखे जैसे आपकी गुड्स को मेरे कंट्री में 10 परसेंट रेट है तो आप भी मेरे गुड्स को 10 परसेंट रेट रखिएगा तो इस पर जनरल एग्रीमेंट पर आए और ट्रेड जो है एक जैसा करे तो ऐसे केस में जी एस काउंसिल बनाया गया एक परिषद बनाई गई ओके वर्ल्ड लेवल पर जी एस काउंसिल बनाया गया जो ये कहता था जो गैट का ही पार्ट था और वो कहता था कि सभी कंट्रीज के लॉ एक जैसे हो एक जैसी प्रोसीजर हो जहां तक ट्रेड कि प्रोसीजर एक जैसी हो एज वेल एज रेट भी एक जैसे हो अक्रॉस द कंट्रीज सो दैट कि हर कंट्री को एक मेक का लॉ इजीली समझ सके जैसा अगर हमारा लॉ अलग है चाइना का अलग है यूएस का अलग है तो ये बहुत दिक्कत जाएगी ट्रेड करने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्टर या एक्सपोर्टर एक मेक के लॉ समझ नहीं पाएंगे अगर वो एक मेक के लॉ समझ नहीं पाएंगे तो ऐसे केस में जो रिस्क इन्वॉल्व होगी क्योंकि हमने गुड्स तो यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया पर वहाँ हेवी कस्टम ड्यूटी लग सकती है क्योंकि उनका लॉ हमें समझ ही समझ में ही नहीं आता है इसलिए फिर यह सबको समझाया गया जो गैट के कस्टम्स लॉ जो है एक जैसा बनाओ। okay, exactly नहीं, लेकिन मोस्टली जैसी कस्टम्स तो लॉ जो बना वो इंटरनेशनल पॉलिसी पे एक जैसा बना और टैरिफ भी एक जैसे बनाया जाए जो टैरिफ शेड्यूल है टैरिफ कोड है जैसे हर कमोडिटी को प्रोडक्ट में आपको समझाऊंगा तो हर कमोडिटी को प्रोडक्ट कोड दिया गया है टेरिफ कोड दिया बेटा है तो वो टेरिफ कोड जो है आप एक जैसे बनाओ तो एक जैसे टैरिफ कोड अगर हो गए तो एक में कंट्री में टैरिफ समझना आसान होगा तो ऐसे केस में 1975 में हमने इंटरनेशनल टैरिफ कोड यूज किए ओके गैट के टैरिफ कोड यूज़ किए और हमारा जो टैरिफ स्ट्रक्चर है यानी पूरी लगभग 1000 गुड्स अलग अलग कैटेगरी के और उसमें टैरिफ कोड जो है वो हमारा टेरिफ स्ट्रक्चर हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर लाया और वो नाइनटीन में उसका सेपरेट एक्ट पास किया जिसका नाम दिया गया कस्टम टेरिफ एक्ट कस्टम रेट एक्ट नहीं कस्टम टैरिफ एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फाइव तो कस्टम एक्ट नाइनटीन सिक्सटी टू या कस्टम टैरिफ एक्ट नाइनटीन दो एक्ट है तो इस एक्ट में हमें पूरा लॉ तो पढ़ना ही है पर कस्टम टैरिफ टैरिफ एक्ट में थोड़ा स्ट्रक्चर भी हमें समझ लेना है प्लस कस्टम टैरिफ एक्ट में हम बहुत सी एक्स्ट्रा ड्यूटीज पढ़ेंगे जैसे सेफ गार्ड ड्यूटी प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज ये जो ड्यूटीज लगाई जाती है वो कस्टम टैरिफ एक्ट में लगाई जाती है बेटा तो ये एडिशनल ड्यूटीज के बारे में भी हम कस्टम टैरिफ एक्ट में पढ़ेंगे तो हमें ये दो मेजर एक्ट पढ़ने हैं जिसमें 90 परसेंट डिस्कशन तो कस्टम्स एक्ट में ही है और कुछ नाइन सेक्शंस कस्टम टैरिफ एक्ट में है जो हमें पढ़ने हैं इज इट क्लियर यस और नो तो चलिए यहाँ पे यस करेक्ट सचिन आपने सही कहा एच कोड वगैरह जो है कस्टम टैरिफ एक्ट में हमें पढ़ना है एच कोड वगैरह बिल्कुल सही कहा आपने उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे चलिए आते हैं हमारा पहला सेक्शन सेक्शन ट्वेल्व चार्जिंग सेक्शन ठीक है पहले सेक्शन पे आने के ये सेक्शन ट्वेल्व जो मैं ये चैप्टर में कवर करने वाला हूँ लेकिन यहाँ सेक्शन ट्वेल्व में आने के पहले थोड़ा मैं आपको सेक्शन कस्टम एक्ट नाइनटीन सिक्सटी टू की लिस्ट समझा देता हूँ यहाँ पे बेटा सेक्शन टू की बहुत सारी डेफिनेशंस जो है अलग अलग जगह मैंने यूज की है उसके बाद में सेक्शन सेवन हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है एट सेक्शन नाइन भी सिलेबस से हटा दिया गया है सेक्शन एट जो है और टेन जो है चैप्टर नंबर टू में कवर करेंगे इलेवन सेक्शन सिलेबस से हटा दिया गया है सेक्शन ट्वेल्व और उसके आगे के सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में सेक्शन ट्वेल्व जो है चार्जिंग सेक्शन हमें पढ़ना है मैंने पूरी लिस्ट दी है और कहाँ कहाँ मैंने क्या डिस्कस किया उसके पेज नंबर भी आपको दी है तो मैं सबसे पहले अटैक कर रहा हूँ सेक्शन ट्वेल्व पे आपका बहुत बेसिक सवाल आता है कि सर आपने सेक्शन ट्वेल्व पहले क्यों कंसिडर किया स्टार्ट ही सेक्शन ट्वेल्व से क्यों किया क्योंकि सेक्शन ट्वेल्व है चार्जिंग सेक्शन ये लेवी क्रिएट करता है ध्यान सुनना ये लेवी क्रिएट करता है ये कहता है कि जैसा अभी आयुष ने एक सवाल पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझ के म, 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 मेरे ऊपर जो है कि यहाँ कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो तो मैंने ऐसा क्या कर दिया तो ये बताता है कि कब लाइबिलिटी क्रिएट हो गई अगर आपको ये समझ गया ना कि कस्टम्स की लाइबिलिटी कब आती है तो आगे सब प्रोविजन समझना बहुत आसान है तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते है यहां पे सेक्शन ट्वेल्व चार्जिंग सेक्शन क्रिएशन ऑफ चार्ज लाइबिलिटी लेवी आर यू रेडी यस सर नो जोर से बोलो ठीक है तो यहाँ पे सेक्शन ट्वेल्व जो है चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है सर आपका सवाल आएगा सेक्शन याद रखने हैं क्या आ गया ना आपका सवाल कि सर पता ही था सेक्शन नंबर लर्न करने हैं क्या तो देखो बेटा जीएसटी में पहले पचास सेक्शन लर्न करने में बताऊंगा आपको और कुछ उसके आगे लिमिटेड सेक्शंस में आपसे लर्न करवा के लूंगा कस्टम में मैं जितने सेक्शन की लिस्ट दूंगा उतने ही सेक्शन आपको लर्न करने हैं जिसमें सेक्शन ट्वेल्व जो है आपको लर्न करना है सचिन तो यस तो मैं एक लिस्ट बना के दूंगा आपको ग्रेजुअली वो सेक्शन आपको चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए कस्टम में लर्न करना है ठीक है चलिए तो सेक्शन ट्वेल्व उसमें से एक सेक्शन है क्शन वन एक्सेप्ट एस प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट आप मेरे साथ पढ़ोगे स्क्रीन पे चलो फटाफट आप भी पढ़ोगे आई नीड योर अटेंशन एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स कस्टम टेरिफ एक्ट नाइनटीन सेवन और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इन टू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया सेकेंड द प्रोविजन ऑफ अप्लाई इन ऑफ ऑल गुड्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट एज दे अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स नॉट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट चलिए आप पढ़ो क्या समझ में आता है मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूं देखता हूं आपके क्या दिमाग में घुस रहा है पढ़ो 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 देखता हो और कुछ तो रिस्पॉन्स देना भाई समझ में आया कि नहीं आया कुणाल को समझ में आया है आंसर दिया है देवेश थैंक्स तुम तो सो गए थे अब तुम्हें समझ में आ हाँ गया है चलिए कोई बात नहीं मैं आता हूँ डिस्कशन पे यहां पे वो क्या कहते हैं एक्सेप्ट अदरवाइज इसको तोड़ते हैं थोड़ा ये सेक्शन को वो कहते हैं एक्सेप्ट अदरवाइज एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट पहली लाइन इसको अलग करेंगे और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स दूसरी लाइन इसको अलग करेंगे Duties of custom shall be levied at the rate as specified in custom tariff act, custom tariff act, usko alag or any other law for timing in force on goods imported into India or exported from India. Or subsection 2, provision of subsection 1 shall apply in respect of all goods belonging to government as they apply in respect of goods not belonging to government. Chali. मैं थोड़ा एक एक स्टेटमेंट को ब्रेक करता हूं आप वहां ध्यान दीजिए और मैं आता हूं डिस्कशन पे चलो सेक्शन ट्वेल्व चार्जिंग सेक्शन आयुष ने ऐसा क्या कर दिया कि कस्टम ड्यूटी लाइबिलिटी आ रही है तो सेक्शन ट्वेल्व पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ोगे तो ऐसा दिखेगा ऐसा पैराग्राफ में कुछ समझ में आता है क्या नालायक को ऐसे पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता है ठीक है इसको थोड़ा हम ब्रेक ब्रेक करके पढ़ते हैं और ये मैकेनिज्म मैं पढ़ोगा आपका कि हर चीज को कैसे ब्रेक करना ठीक है सो so, दोस्तों यहां पे देखो हर स्टेटमेंट को मैं ब्रेक कर रहा हूं स्क्रीन पे एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स ड्यूटीज ऑफ कस्टम शाल बी लिव एट सच रेट एस मे बी स्पेसिफाइड अंडर कस्टमटरी ऑन गुड्स विच आर इंपोर्टेड इन टू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया चार्ट हम ड्रॉ करेंगे वेट फॉर दैट ठीक है एक एक लाइन ये कहना क्या चाहता है ध्यान से देखो सेक्शन ट्वेल्व जो स्टार्ट हुआ वो ये वर्ड से स्टार्ट हुआ कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट ओके एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट मतलब ये क्लॉज 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 सब्जेक्टिव है नॉट टू नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे इसी एक्ट में समझ लो मैं सेक्शन ट्वेल्व हूं और मैं आपसे साथ बात कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत पिया हुआ हूँ हु, इमेजिन करना नहीं नहीं गिरगा नहीं ओके okay, थोड़ा बहुत पिया हुआ, हुआ और मैं कह रहा हूं देखो भाई मैं कुछ कहना चाहता हूं आयुष ने बोला अरे बोल बोल क्या बोल रहा है, बोल हाँ तो यहाँ सेक्शन ट्वेल्व कहता है मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ना तेरे पे लाइबिलिटी क्रिएट करूंगा ठीक है पर एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट भाई मैं जो कहूंगा और इस एक्ट में कोई अदर सेक्शन ने कुछ अदरवाइज कहा होगा तो फिर मेरी मत मानना उनकी मानना प्रोविजन विल सेक्शन ट्वेल्व यानी उनकी प्रोविजन जो प्रिवेल होगी क्योंकि मैं तो पिया हुआ हूँ पर लाइबिलिटी मैं क्रिएट करने वाला हूँ पर पिया हुआ हूँ और अदर प्रोविजन प्रिवेल होगी यानि चार्जिंग सेक्शन ये जो है सब्जेक्ट टू क्लॉज रख रहा है नॉर्मली क्या होता है चार्जिंग सेक्शन नॉट नॉटैंडिंग टू क्लॉज रखता है और इट में भी सब्जेक्ट टू क्लॉज रख रहा है मतलब मतलब अगर किसी अदर सेक्शन ने कुछ डिफरेंट प्रोविजन बोली होगी और हो सकता है कस्टम ड्यूटी माफ कर दी होगी या कस्टम ड्यूटी अलग तरह से लगाई होगी तो वो सेक्शन प्रिवेल हो गए सेक्शन ट्वेल्व प्रिवेल नहीं होगा क्योंकि वो तो पिया हुआ है समझ लो आप तो एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट मतलब अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विल प्रिवेल और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स मतलब बेटा ओके मैं अगर मेरी घर वाली कुछ बोल रही है सुनो मेरी घर वाली कुछ बोल रही है मतलब मेरी एक्ट की घर वाली कुछ बोल रही है तो उसकी मानना मेरी मत मानना ठीक है मैं तो पिया हुआ और सिर्फ मेरी घर वाली नहीं यहाँ पे अगर मेरे आजू बाजू वाले लोग कुछ बोल रहे हैं को बाहर वाली नहीं बोल रहा ओके okay, यहाँ पे तो यहाँ आजू बाजू वाले जो है कुछ लोग बोल रहे हैं अदर एक्ट की कुछ प्रोविजन डिफरेंट व्यू रखती है तो वो एक्ट प्रिवेल हो मतलब फेमा ओके okay, उसके बाद में यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज या कस्टम टेरीफ एक्ट उन्होंने कुछ डिफरेंट प्रोविजन रखी जो मेरे साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है तो वो प्रोविजन प्रिवेल होगी और मेरी प्रोविजन प्रिवेल नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी ओके okay, तो यानी ये सबको ओवर राइडिंग इफेक्ट दे देता है तो एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग ऐसे ही बेटा हर सेक्शन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है हमें ओके okay, ये तो कस्टम है ये तो लिमिटेड स्कोप में हमें पढ़ना है बीस मार्क के लिए सिलेबस ज्यादा होगा तो भी हमें लिमिटेड एक्सटेंड में पढ़ना है जीएसटी देखो बहुत मजा आएगा आपको ऐसे एक एक लाइन तोड़ तोड़ के फोड़ फोड़ के पढ़ा होगा ठीक है तो आपने कभी इतना इंटरप्रिटेशन नहीं किया होगा उतना इंटरप्रिटेशन हम करेंगे ठीक है कस्टम्स तो क्या है मुझे रोकना पड़ता है क्योंकि ट्वेंटी मार्क्स है ओके okay, तो बहुत ज्यादा हम डीप में नहीं जा सकते हैं लेकिन नो no डाउट जो चीजें हमको पढ़नी है एग्जाम के हिसाब से वो तो बहुत डीप में जाएगी तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स शैल बी लिविड अब जाने दो तो हमारे एक्ट का और अदर एक्ट का हम कस्टम ड्यूटी पे आते हैं तो ड्यूटीज ऑफ कस्टम शेल बिलीव इड एट सच रेट तो ये सेक्शन ट्वेल्व क्या कहता है रेट आप लाओगे कस्टम एक्ट से यानी ओके okay, लेवी मैं कर देता हूं लाइबिलिटी कब आएगी मैं बता दूंगा ओके okay, यहाँ आयुष ने ऐसा क्या किया कि हम लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं मैं बता दूंगा मैं कोई डांस नहीं कर रहा हूं और हंसना नहीं मुझे देख के बेटा मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ डांस करते करते और मैं आपको कहता हूं ये तो बेस्ट टेक्निक है कि जब आप यहाँ पे पढ़ते हो ना तो रूम में बंद कर लेना मैं भी रूम में बंद करता था और ऐसे ही पढ़ाता था और ऐसे ही मैं ओके okay, यहाँ पे एक्शन करता था तो वॉटर इट में भी तो यहाँ आ जाइए हमारे डिस्कशन पे तो ऑन गुड्स ओके इट बी शैलड ऑन गुड्स वीच आर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया और विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया तो रेट के लिए सेपरेट एक्ट 1975 में पास किया एक किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कस्टम एक्ट 1962 है और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है ठीक है तो और हम रेट कस्टम टैरिफ से लेते हैं बिल्कुल सही तो सर सिक्सटी से सेवनटी रेट ही नहीं था अगर रेट नहीं था तो फिर कस्टम ड्यूटी लगती नहीं थी दूंगा दो खींच के नालायक कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं लेना क्या था कि लेकर से वो रेट जो है इट्सल्फ टेरिफ कस्टम एक्ट में ही पहले कवर्ड थे कस्टम एक्ट में ही पहले रेट दिए हुए थे लेकिन सेवनटी में कस्टम एक्ट से रेट निकाल के कस्टम टेरिफ एक्ट बनाया गया ठीक है तो कस्टम टेरिफ एक्ट बनाया गया तो ऐसे सिचुएशन में बेटा मैं जस्ट आपको यह कहना चाहता हूं कि रेट जो है कस्टम टेरिफ एक्ट नाइनटीन से आएंगे और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन ठीक है Uh, कोई फिलहाल दूसरा लॉ तो नहीं है अभी तो कस्टम टैरिफ एक्ट ही है जिससे रेट आएगा अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाता हूं ओके कस्टम्स ड्यूटी की जो लेवी है बेटा तो लेवी जो होगी वो ऑन गुड्स होगी और गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया मतलब बेसिक कंडीशन जो है गुड्स है यानी लेवी होने के लिए प्राइमरी कंडीशन जो है वो गुड्स होना जरूरी है और गुड्स वो इंडिया में इंपोर्ट हुआ और गुड्स वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो अब एक सवाल है आपका और वो क्या जैसे आयुष ठीक है आयुष सेक्शन ट्वेल्व के पास गया आयुष समझ लो सेक्शन ट्वेल्व के पास गया उसने कहा मिस्टर सेक्शन ट्वेल्व वो आपका ऑफिसर मुझे कस्टम ड्यूटी मा मांग रहा है तो सेक्शन सेक्शनल ने का एक्सप्रेस प्रोवाइड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग फॉर ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लिविड एट रिच एटिफिक इन कस्टमटरी फैक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन ऑन गुड्स आर इंपोर्टेड इंट इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया समझा आपको समझ में आया ना ठीक है चार्ट ड्रॉ करेंगे वेट वेट फॉर दैट तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे आयुष ने कहा कि सर ये बताओ मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझ पर कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है लेवी क्रिएट की जा रही है आपका ऑफिसर मुझ पर कस्टम ड्यूटी मांग रहा है मैं क्यों दू उसे कस्टम ड्यूटी क्या मुझे लाइबिलिटी क्रिएट होती है हाँ? होती है क्या लाइबिलिटी क्रिएट तो अब सेक्शन ट्वेल्व ने कहा हमारी लेवी गुड्स पे है क्या आपने गुड्स लाया है तो आयुष ने कहा सर कस्टम में गुड्स का डेफिनेशन क्या है भाई मैंने मैं फॉरेन कंट्री में गया वहां की मिट्टी अच्छी लगी मिट्टी उठा के लाया मिट्टी उठा के लाया मिट्टी क्या वो गुड्स है तो सर कस्टम एक्ट के हिसाब से क्या हमें बता सकते हो कि गुड्स की क्या डेफिनेशन है तो यहां ओके क्शन ट्वेल्व ने कहा टू नो द डेफिनेशन ऑफ गुड्स ओके ने कहा yes. जानना चाहता हूं कि वो जो मिट्टी है वो क्या गुड्स के डेफिनेशन में आएगी क्या तो बेटा गुड्स यानी क्या अंडर कस्टम्स एक्ट जीएसटी की बात नहीं कर रहा है ये देखेंगे हम कल के सेशन में आज का सेशन यहीं रुकते हैं वेट कीजिएगा कल इसी टाइम इसी वक्त छह बजे हमारा सेशन होगा यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होगा मजा आया आपको सर गुड्स की डेफिनेशन बता देना अरे रुक भाई देखो आगे आगे होता है क्या तो हम कल देखेंगे गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की डेफिनेशन सो आई होप्स ने लेक्चर एंजॉय किया होगा मजा आया होगा लेकिन बेटा आपको मेरा क्लास लगाना है नहीं लगाना है वो डिसीजन आपने लेना है ओके यहाँ मोर देन वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड स्टूडेंट्स मैंने पंद्रह साल में पढ़ाए हैं uh, आपने थोड़ा बहुत नाम तो सुना होगा तो आप डिसीजन लीजिएगा पर आज के लेक्चर के बेस पे नहीं दो तीन लेक्चर देखो मेरा टीचिंग अच्छे से देखो और बाद में डिसीजन लो कि आपको करना क्या है ओके okay, दोस्तों नहीं 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 चार्ट का फोटो मतलब मैं आपको चार्ट ड्रॉ करके दूंगा आपके कुछ क्वेश्चन डाउट हो गए तो मैं बता देता हूँ नोट्स uh, बेटा कल से डिस्पैच होगी तीन चार दिन में मिल जाएगी अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड re होने के बाद यहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा वो लिंक पे पीडीएफ कॉपी पहले दो चैप्टर्स के आपको मिल जाएगी नहीं कस्टम सिर्फ गुड्स पे आता है सर्विस पे नहीं आता है हम आगे बात करेंगे निश्चल सर नाइस nice डांस <laughs> बेटा मैं पढ़ाता ही ऐसा हूं तो डांस के साथ एंटरटेनमेंट भी आपका हो जाता है और ठीक है चलिए दोस्तों कल मिलते हैं क्लॉक सभी बंधन को तोड़ के आपको आना है और ये आपको लेक्चर अटेंड करना है पहले दो तीन लेक्चर आप देखो फिर आपको अगर अच्छा लगा तो जरूर आप हम ऑनलाइन बाय कर सकते हो ठीक है बेटा चलिए थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू आपके सभी सवाल थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ने दो फिर बाद में मैं कवर करूंगा